तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम रिवाइज कर रहे थे हमारा चैप्टर एग्जम्पशन अंडर जीएसटी। ओके, तो पार्ट बी आपने कवर कर लिया होगा, ये हमारा पार्ट, सॉरी पार्ट ए आपने कवर कर लिया होगा, ये हमारा पार्ट बी है। ठीक है, इसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो अगर आप लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो बताता हूँ कि हम उसको हम पढ़ने वाले हैं हमारी स्मार्ट समरी बुक से। ठीक है, इसकी आपको फ्री पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, एंड आप इसकी बाय कर सकते हैं हार्ड कॉपी फ्रॉम आवर वेबसाइट। ठीक है, इन दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके ओके, चलिए इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। हम कंप्लीट कर चुके थे हमारा एंटरटेनमेंट सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड चैरिटेबल एंड हेल्थ केयर। ठीक है, जो बाकी का पोर्शन इसको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। चलिएगा, देखिएगा स्क्रीन पर हम बात कर रहे हैं यहां पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की। देखिएगा, जो पैसेंजर है उनका ट्रांसपोर्ट कैसे हो सकता है, या तो बाय रोड होगा, या फिर बाय एयर होगा, रेलवे होगा, या फिर वाटर होगा। ये चार ही तरीके हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की। देखिएगा, अगर बाय रोड होगा तो क्या होगा, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, या तो बाय बस होगा, या फिर बाय मीटर कैब, ऑटो रिक्शा, या फिर ई रिक्शा होगा। ओके, देखिएगा ये कौन सी होती है, मीटर कैब होती है, जिसे मीटर लगा हुआ होता है। देन कोई ऑटो रिक्शा होगा, इसे मीटर लगा होता है। कईयों के बारे में क्या करते हैं कि जितना मीटर आप पे चार्ज होगा, जितना किलोमीटर चलेगा, उस अकॉर्डिंग फिर अमाउंट को चार्ज करते हैं। ये ऑटो रिक्शा होगा, या कोई ऐसी टैक्सी वगैरह होगी जिसमें मीटर लगा हुआ है, या कोई ऑटो रिक्शा है, या फिर कोई ई रिक्शा होगा जो आजकल चले हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एग्जम्प्ट है। कोई मीटर कैब है जिसमें मीटर लगा हुआ है, कोई ऑटो रिक्शा है, कोई ई रिक्शा है, ये यहां पर एग्जम्प्ट है। ओके, देन इसके अलावा कुछ और होगा, कोई टैक्सी होगी जिसमें रेडियो लगा हुआ है, मीन्स जिसमें जीपीएस लगा हुआ है, एक ऐसी टैक्सी जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं कि फिलहाल वो कहां पर है, एक ऐसी टैक्सी जिसको आप फोन से ट्रैक कर सकते हैं जिसमें लगा हुआ है जीपीएस, वो क्या है, वो टैक्सेबल है। मीन्स इन तीन के अलावा कोई मीटर कैब है, कोई ऑटो रिक्शा है, कोई ई रिक्शा है, इसके अलावा कोई और भी ऐसा होगा जो हमारे ट्रांसपोर्ट का कोई साधन होगा, वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं बस की। बस के केस में क्या होगा, अगर बस एसी वाली है, आप एसी का मजा ले रहे हैं तो क्या होगा, या फिर कोई बस नॉन एसी है, इन दैट केस क्या होगा। देखिएगा, जो बस एसी वाली है वो हमेशा हमेशा टैक्सेबल होगी, चाहे ये गवर्नमेंट की बस है, चाहे ये प्राइवेट की बस है। ठीक है, चाहे ये गवर्नमेंट की बस है, चाहे ये प्राइवेट की बस है, ये हमेशा हमेशा टैक्सेबल होगी। अगर आप एसी का मजा ले रहे हैं, अगर आप एसी का आनंद उठा रहे हैं, तो यहाँ पे टैक्सेबल होगा। देन अगर ये नॉन एसी होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर दो केस आएंगे। एक केस कौन सा आएगा, स्टेज कैरेज का। इसमें क्या होता है, प्री डिसाइडेड रूट विद द डिसाइडेड स्टॉपेज। जो बस चल रही है वो एक फिक्स रूट पर चल रही है, जैसे इस सिटी से जा रही है, किसी और सिटी में जा रही है, उसका रूट फिक्स है, वो हमेशा उस फिक्स रूट पर जाती है। ठीक है, एक क्या होगा इसके अंदर, देखिएगा यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। इसमें क्या होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो स्टेज कैरेज है वो यहां पर एग्जम्प्ट है। एक ऐसी बस, जैसे मैं रहता हूँ हांसी के अंदर, तो यहाँ पर पास में हिसार पड़ता है, तो एक बस जाती है वो डेली अप डाउन करती है इस रूट पर, वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। इस केस में क्या होता है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें किसी बस को, आप किसी बस को हायर कर रहे हैं, आप किसी बस को रेंट पर ले रहे हैं, तो अगर आप ले रहे हैं उसको किसी टूर पर्पज के लिए, तो क्या होगा, या आप ले रहे हैं उसको किसी और पर्पज के लिए, अगर आप उसको ले रहे हैं टूर पर्पज के लिए, तो हमेशा वो टैक्सेबल होगा। ओके, या फिर आप उसको ले रहे हैं किसी और पर्पज के लिए, तो यहाँ पर एग्जम्प्ट होगा। लाइक आपके घर में किसी की मैरिज है, ठीक है, तो मैरिज तो यहाँ पर है, तो सारे फैमिली मेंबर कैसे जाएंगे वहां पर, तो आपने एक बस हायर कर ली जिसमें सारे बैठ जाएंगे और सारे इस बस में जाएंगे, तो इस केस में यहाँ पर एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आप उसको ले रहे हैं किसी टूर पर्पज के लिए, तो यहाँ पर वो टैक्सेबल हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देन लेकिन ऑल द एग्जाम्प्ट अप्लाई और ऑल्सो टैक्सेबल, ऑल द एग्जाम्प्ट अप्लाई ऑल्सो टैक्सेबल प्रोवाइडेड थ्रू द ईसीओ। ठीक है, जो हमने बात करी टैक्सेबल वाली, ये तो हमेशा टैक्सेबल होगी होगी,
चाहे खुद प्रोवाइड कर रहे हैं चाहे प्रोवाइड करें थ्रू ईसीओ लाइक ओला एंड उबर, लेकिन जो एग्जम्प्ट वाली है, जो एग्जम्प्ट वाली है उसको भी हम टैक्सेबल कर देंगे अगर प्रोवाइड की जा रही है थ्रू ईसीओ लाइक ओला एंड उबर, उसके लिए मेरे टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है टैक्सेबल कौन सी है, हमारी ईसीओ वाली बस टैक्सेबल है, एंड अगर आप बस को ले रहे हैं टूर के लिए तो टैक्सेबल है। ठीक है, जो रेड्यूएबल टैक्सी जिसमें लगा हुआ जीपीएस वो टैक्सेबल है, या फिर ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है थ्रू ओला एंड उबर वो टैक्सेबल है, ये आपने ध्यान में रखना है। देन रोड इज कंप्लीट, हम आगे देख लेते हैं इसको। रेलवे, रेलवे किसमें क्या होगा, मेट्रो रेल होगी कोई भी, कोई मोनोरेल होगी, कोई ट्रामवे होगी, दिस इज मेट्रो, दिस इज मोनोरेल एंड दिस इज ट्रामवे। ठीक है, कोई नॉन एसी रेल होगी जो हमारी नॉर्मल वाली होती है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये सारी क्या है, ये सारी एग्जाम्प्ट है, लेकिन कोई फर्स्ट क्लास होगी, कोई एसी रेल होगी, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल वाली रेल होती है, जो मेट्रो होती है, जो ट्रामवे होती है, ये फुल्ली एसी होती है, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ट्रेन की जो नॉर्मल वाली होती है, जो नॉर्मल वाली होती है। इसमें अगर आप ले रहे हैं एसी वाला, देखिएगा आप ऐसे रूम में जा रहे हैं जहां पर एसी लगा हुआ है, जो फर्स्ट क्लास है वो क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा। डन, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है बाय रेलवे। तो रेलवे में टैक्सेबल है जो एसी क्लास है, जो फर्स्ट क्लास है, सिर्फ वो टैक्सेबल है, बाकी सब कुछ एग्जम्प्ट है, मेट्रो हो गया, मोनोरेल हो गया, ट्रामवे हो गया, नॉन एसी रेल हो गया, सब कुछ एग्जम्प्ट है, फर्स्ट क्लास एंड एसी यहाँ पर टैक्सेबल है। ठीक है, देन बाय वाटर, बाय वाटर क्या होगा, इनलैंड वाटरवेज, अगर आप रिवर में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, ये रिवर है यहाँ पर, यहाँ पे आप ट्रेवल कर रहे हैं इसके अंदर, तो क्या है यहाँ पर, वो एग्जम्प्ट है। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, इन वेसल, इन सी होगा, लाइक आप यहाँ पे आप बैठे हैं और आप यहाँ पे जा रहे हैं आगे किसी और प्लेस पे, आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, आप इसको टूर के लेके नहीं जा रहे हैं, आप यहाँ पर मजे के लिए नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए इन इंडिया, देन इट इज एग्जम्प्ट। ठीक है, लेकिन आप जा रहे हैं फॉर टूर पर्पज के लिए, जैसे आप गए गोवा वाले बीच पे, आपने ऐसी कोई बोट ली, आप वहां पर टूर कर रहे हैं, आप एंजॉय करने के लिए रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट एंड टूर में डिफरेंस होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि आप यहां से एक जगह वहां पे जा रहे हैं, लेकिन टूर में क्या होता है कि आप मजे के लिए कर रहे हैं, आप एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप घूमने के लिए कर रहे हैं, इन दैट केस टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, या फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है टू आउटसाइड इंडिया, इन दैट केस टैक्सेबल हो जाएगा। एक शिप जा रही है हमारी इंडिया से बाहर, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर टूर के लिए होगा तो टैक्सेबल होगा, अगर ट्रांसपोर्ट के लिए होगा तो एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, कोई शिप बाहर जा रही है, इंडिया से बाहर जा रही है, तो यहाँ पर ये टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो टैक्सेबल क्या है, टूर के लिए टैक्सेबल है, या फिर इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो टैक्सेबल है, बाकी एग्जम्प्ट है। देन एयर, एयर के केस में क्या है, जो एयर है वो फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है जी, जो एयर है वो फुल्ली टैक्सेबल है, एक्सेप्ट जर्नी एंड वॉकिंग, यहां से एयर फ्लाई कर रहा है, यहां से जो एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है, और या फिर यहां पे टर्मिनेट कर रहा है, यहां पे लैंड कर रहा है, या तो फ्लाई कर रहा है इस स्टेट से जो यहां पे मेंशन किए गए हैं, या फिर यहां पर लैंड कर रहा है। कहां से फ्लाई कर रहा है, कहां से लैंड कर रहा है, बैट्समैन, कहां से कर रहा है, बैट्समैन, बी से क्या आएगा, बगोदरा जो वेस्ट बंगाल में है, ए से आसाम, बी से त्रिपुरा, एस से सिक्किम, एम से मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, एंड ए से अरुणाचल प्रदेश, एंड एन से नागालैंड। तो जो हमारा एरोप्लेन है वो यहां से फ्लाई ले रहा है या फिर यहां पर लैंडिंग कर रहा है, इन द बोथ द केसेस क्या होगा, ये एग्जम्प्ट रहेगा, लेकिन 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 ओनली इन द इकोनॉमिक क्लास। ठीक है, ओनली इन इकोनॉमिक क्लास, अगर प्रीमियम क्लास होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। यहां से फ्लाई कर रहा है, यहां पर लैंड कर रहा है, इन इकोनॉमिक क्लास है, तो यहां पर ये एरोप्लेन सर्विसेज एग्जम्प्ट होगी, फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं हम यहां पर। ठीक है, सेम बात आपके बुक में भी है, इसको आप रीड कर सकते हैं जस्ट। देन हम देख लेते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इस केस में क्या होगा, देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय द रोड, अगर बाय रोड होगा तो रोड में कौन करेगा ट्रांसपोर्ट, कुछ जीटीए कर रही है। जीटीए कौन सी होती है, जिसके पास होता है कार्गो का परमिट, जिसके पास होता है ऑल इंडिया का परमिट, उसको हम बोलते हैं जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, फुली टैक्सेबल है। ठीक है, या फिर होगा अदर रोड ट्रांसपोर्ट इज एग्जम्प्ट, लाइक मैं कोई जीटीए नहीं हूं, मैंने अपना कोई ट्रक ले लिया, मैंने कोई टेम्पो ले लिया, मैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, तो एग्जम्प्ट है। कोई इंडिविजुअल है वो अपना ट्रक चला रहा है, अपनी गाड़ी चला रहा है, उसमें गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो एग्जम्प्ट है। लेकिन कोई जीटी है, इसके पास परमिट है पूरे इंडिया का, वो टैक्सेबल है।
वो फुली टैक्सेबल है यहाँ पर, ठीक है। रेलवे फुली टैक्सेबल है, जो पाइपलाइन है फुली टैक्सेबल है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एयर की एंड वेसल की, ठीक है। एयर केस में क्या हुआ, प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए कस्टम स्टेशन इंडिया, ठीक है। क्या है कि कोई प्लेन है किसी और कंट्री से आ रहा है, हमारे इंडिया में लैंड कर रहा है, ठीक है, तो गुड्स लेके आ रहा है, तो उसकी सर्विस क्या यहां पर एग्जम्प्ट है, ठीक है। कस्टम स्टेशन टू इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया, हमारे इंडिया से कोई एरोप्लेन जा रहा है, कोई वेसल जा रही है, ये पॉइंट दोनों के लिए, ये पॉइंट इज कॉमन, दिस पॉइंट इज कॉमन। कोई वेसल है, कोई एरोप्लेन है, हमारे इंडिया से जा रहा है किसी और कंट्री में, तो हमारे कस्टम स्टेशन से जा रहा है किसी और कंट्री में, तो टैक्सेबल है गुड्स को लेकर जा रहा है, तो या फिर कोई और केस होगा टैक्सेबल होगा। इस मींस क्या है कि कोई वेसल आ रही है किसी और कंट्री से आ रही है, हमारे इंडिया में आ रही है गुड्स को लेकर के, वो टैक्सेबल है। खाली जो हमारा एयर है, जो हमारा एरोप्लेन है, वो एग्जम्प्ट है यहाँ पर, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देन इफ नेक्स्ट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द जीटीए रेल और वेसल, देखिएगा वेसल आपका जीटी है वो फुली टैक्सेबल है, जो रेलवे है ये फुली टैक्सेबल है, जो वेसल है ये फुली टैक्सेबल है, लेकिन जो जीटी है, जो रेल है, जो वेसल है, इसको हम एग्जम्प्ट कर देंगे खाली इन गुड्स के लिए, इसको हम एग्जम्प्ट कर देंगे खाली इन गुड्स के लिए। ध्यान दीजिएगा यहां पर एयर नहीं है, इट इज नॉट कवर हियर, ठीक है, यहां पर एयर नहीं है, इसको हम देख लेते हैं विद एनिमेशन। देखिएगा इफ नेक्स्ट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द जीटीए रेल वेसल देन एग्जम्प्ट, तो एग्जम्प्ट होगा, एयर इज नॉट कवर हियर, एयर कवर नहीं है यहां पर, ठीक है। कौन सी गुड्स होगी, कोई रिलीफ मटेरियल होगा फॉर विक्टिम्स, कोई बाढ़ वगैरह आ गई है उनका सामान डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पर खाने पीने का, कोई डिफेंस का सामान है, कोई मिलिट्री का सामान है, कोई कोई टैंक वगैरह लेके जा रहे हैं, कोई ट्रक वगैरह के अंदर लेके जा रहे हैं, या कोई न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है, या कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है लाइक टमाटोस, ये शायद स्ट्रॉबेरी तोड़ रही है। देन कोई मिल्क है, कोई सॉल्ट है, फूड ग्रेन है, फ्लोर है, पल्सेस है, राइस है, ऑर्गेनिक मैन्यूर, कोई खाद वगैरह है, तो यहाँ पर ही एग्जम्प्ट है, खाली यही एग्जम्प्ट है। इसको आप लर्न कैसे करोगे, डी आर एम ओ एन ए, डॉक्टर मोना, डॉक्टर मोना, अगर डॉक्टर मोना जा रही है, वैसे जीटीए रेल और वैसे फुली टैक्सेबल है, लेकिन अगर डॉक्टर मोना जा रही है इसमें बैठ करके, तो यहाँ पर एग्जम्प्ट है, ठीक है। और डॉक्टर मोना अगर बैठ जाती है एरोप्लेन के अंदर, तो टैक्सेबल है। डॉक्टर मोना जा रही है जीटीए के अंदर, रेल के अंदर, वैसल के अंदर, तो इसको दे दी गई मैंने यहाँ पर स्पेशल एग्जम्प्शन। ओके चलिए आगे, चलिए देन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, देखिएगा सर्विसेज प्रोवाइड टू सीजी बाय द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर एंड बार्किंग एंड टर्मिनेटिंग एट द आरसीएस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स एयरपोर्ट अगेंस्ट द कंसिडरेशन। देखिएगा उड़े देश का आम नागरिक, गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई है जिसके तहत क्या होता है, इसको हम बोलते हैं उड़ान, इस स्कीम का नाम है उड़ान। इसके तहत क्या होता है कि जो एयरलाइंस है वो प्राइस चार्ज करेगी लो, वो प्राइस चार्ज करेगी लो, प्राइस लो चार्ज करेगी फ्रॉम पैसेंजर्स, ठीक है। तो डिफेंस कौन पे करेगा, अगर वो लो प्राइस चार्ज कर रही है तो गवर्नमेंट पे करेगी एज ए ग्रांट, उसको हम बोलते हैं वायबिलिटी फंडिंग, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा है कि जो फ्लाइट है उन्होंने सर्विस दे दी है गवर्नमेंट को लो अमाउंट चार्ज करके, बदले में ले रही है यहां पर ग्रांट, बदले में ले रही है वायबिलिटी फंडिंग, तो ये एग्जम्प्ट है, ठीक है, बदले में ले रही है वायबिलिटी फंडिंग से, तो ये एग्जम्प्ट है। देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्विस बाय वे ऑफ हायरिंग, स्टडी में क्वेश्चन भी है एंड एमसीक्यू भी पूछा गया इसके ऊपर। देखिएगा सर्विसेज बाय वे ऑफ हायरिंग टू ए स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट की बसेज हैं जो गवर्नमेंट है वो हायर कर रही है टू ट्रांसपोर्ट द पीपल, लाइक जो गवर्नमेंट की बस चलती है इसके लिए हायर करेगी इस बस को, जिसमें आते हैं मोटर व्हीकल कोई भी इसमें आते हैं मोर देन 12 पैसेंजर्स, तो किस में आएंगे, किसी बस में आएंगे, किसी कार वगैरह में आने से रहे, या फिर जो लोकल अथॉरिटी है वो हायर करेगी किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को फॉर मोर देन 12 पैसेंजर्स के लिए, तो यहाँ पर एग्जम्प्ट है। देन टू ए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो जीटी है वो हायर करेगी किसी ट्रक को, जो जीटी है वो हायर करेगी किसी ट्रक को गुड्स को वहां पर लोड अनलोड करने के लिए, देन क्या होगा, ये एग्जम्प्ट होगा। मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट्स
फैकल्टी स्टाफ टू ए पर्सन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टू ए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्री स्कूल एजुकेशन और द स्कूल अप टू हायर स्कूल एजुकेशन। देखिएगा, एक पर्सन है वो प्रोवाइड कर रहा है किसी स्कूल को जो प्लस टू तक का है, बस प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये एग्जम्प्ट है? यस एग्जम्प्ट है। जो स्कूल है वो आगे प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, ये भी एग्जम्प्ट है। अब इस केस में क्या हुआ, एक नया पर्सन पिक्चर में आ गया, ये पर्सन पिक्चर में आ गया, ये कर रहा है, ये इसको बस दे रहा है हायर के ऊपर, ये बस इसको हायर पे दे रहा है, ये आगे इसको दे रहा है स्कूल को, ये आगे बच्चों को दे रहे हैं, तो इसने इसको प्रोवाइड करी हमें बस हायर पे, ये भी एग्जम्प्ट है। ठीक है, ये एक ऐसे पर्सन को दे रहा है जो आगे स्कूल को दे रहा है, जो स्कूल पशु तक का है, तो इसने इसको दिया वाली बस यहाँ पर हायर पे, तो ये भी एग्जम्प्ट है। ओके ओके, देन गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए बाय जीटीए टू ए अनरजिस्टर्ड पर्सन इज एग्जम्प्ट। याद कीजिएगा चैप्टर आसिम वाला, उसमें क्या देखा था हमने, कोई जीटी है वो प्रोवाइड करे सर्विसेज टू 3 RCPC, इन दैट केस क्या होता है यहां पर लगता है आरसीएम। ठीक है, लेकिन जो जीटी प्रोवाइड कर रही है टू इंडिविजुअल, इन दैट केस एग्जम्प्ट है। ठीक है, या फिर जीटी प्रोवाइड करे किसी डिपार्टमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को जो CGHEUT का है, या कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई गवर्नमेंट की एजेंसी है जो रजिस्टर हुई है फॉर TDS पर्पज ओनली, इन दैट केस एग्जम्प्ट है। साथ में ऑल्सो इंक्लूड करेंगे इसके अंदर हम, कोई इंटरमीडिएट होगा, कोई एंजली सर्विसेज होगी, कोई लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग होगी, सब कुछ यहां पर एग्जम्प्ट हो जाएगा। ओके, देन सर्विस बाय ऑफ एक्सेस टू ए रोड ब्रिज फॉर टोल चार्जेस एनुअली। ठीक है, जो अगर आप जा रहे हैं किसी हाईवे पे तो आप वहां पे करते हैं टोल चार्जेस पे करते हैं, तो एग्जम्प्ट है। आप उसको हर टाइम पे कर रहे हैं, उसको आप एनुअली पे कर रहे हैं, इन बोथ द केसेस एग्जम्प्ट। या फिर आपसे फीस चार्ज की जा रही है फॉर नॉट हैविंग द फास्टैग। फास्टैग क्या होता है कि वो गाड़ी पे लगाते हैं, वो ऑटोमेटिक स्कैन हो जाता है कि आपके पैसे ऑटोमेटिक अकाउंट से कट जाते हैं। अगर आपने फास्टैग नहीं लगाया है तो आपके आपसे हम एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करते हैं। ठीक है, आपसे हम एडिशनल अमाउंट चार्ज करते हैं, तो ये सब कुछ एग्जम्प्ट है, ये सब कुछ एग्जम्प्ट है। ठीक है, सर्विस एसोसिएटेड विद द ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल या भूटान। एक ट्रक चला पाकिस्तान से, वो जा रहा है नेपाल और भूटान, वो बस रास्ता यूज कर रहा है हमारे इंडिया का, तो क्या होगा, वो एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, अगर वो ट्रक क्या करता, गुड्स को अनलोड करता हमारे इंडिया के अंदर, देन वहां पर ट्रक कोई और होता वो उसको लेके जाता, कोई और ट्रक होता वो उसको लेके जाता, तो टैक्सेबल होता। लेकिन क्या हुआ कि एक ट्रक चला है पाकिस्तान से, वो जा रहा है नेपाल या भूटान, वो बस रास्ता यूज कर रहा है हमारे इंडिया का, इन दैट केस वो एग्जम्प्ट है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिट। ठीक है, द सर्विसेज बाय द ग्रांटिंग द नेशनल परमिट। ठीक है, कोई परमिट दिया जा रहा है किसी ट्रक वगैरह को, नेशनल परमिट दिया जाता है, तो यहाँ पर एग्जाम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे ये एंड होता है, हम आगे चलते हैं हमारी लीगल सर्विसेज के अंदर। देखिएगा आप यहाँ पर लीगल सर्विसेज टैक्सीबिलिटी, याद कीजिएगा हमने पढ़ा था आरसीएम के अंदर, कोई एडवोकेट है, कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, कोई फर्म ऑफ एडवोकेट है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर लीगल सर्विसेज टू ए बिजनेस एंटिटी। इन दैट केस क्या होता है, जो बिजनेस एंटिटी होती है वो टैक्स पे करती है अंडर आरसीएम, जो बिजनेस एंटिटी होती है वो टैक्स पे करती है अंडर आरसीएम, ये आपको याद होगा। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो लीगल सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जा रही है बाय लॉ फर्म, बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, बाय एडवोकेट या फिर कोई सीनियर एडवोकेट होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि कोई बिजनेस एंटिटी है तो ये टैक्सेबल होता है अंडर आरसीएम, लेकिन हर किसी में टैक्सेबल नहीं होता है, तो एग्जाम्प्ट कब होता है उसको हम यहां पर जान लेते हैं। देखिएगा, कोई पर्सन है जो है अदर देन बिजनेस एंटिटी। ठीक है, लाइक मैं हूं, मेरी मैरिज हुई, देन मेरा डिवोर्स हो गया, तो मैं पर सर्विस ले रहा हूं एडवोकेट की मेरा डिवोर्स करवाने के लिए। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, या कोई सीजी है, कोई एसजी है, कोई यूटी है, कोई एलए है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, कोई एंटी है, तो ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बेशक से बिजनेस एंटी है, बेशक से बिजनेस कर रहे हैं, कोई बिजनेस एंटी है, कोई धंधा कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी यहां पर एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक है, या फिर कोई ऐसी बिजनेस एंटी है जिसका टर्नओवर ज्यादा कम है, अमाउंट मेकिंग इट एलिजिबल टू गेट रजिस्टर इन ए प्रीवियस ईयर। एक ऐसी बिजनेस एंटी जिसका टर्नओवर कम है 10 लाख से, 20 लाख से या 40 लाख से। ठीक है, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट लिमिट है,
मीन्स एक ऐसी बिजनेस एंटिटी जो अनरजिस्टर है, हम उसकी बात कर रहे हैं जो अनरजिस्टर है, इन दैट केस ये भी एग्जम्प्ट रहेगा, ठीक है। तो सर टैक्सेबल कब होगा? टैक्सेबल होगा जब जो एडवोकेट है वो प्रोवाइड करा है किसी ऐसी बिजनेस एंटिटी को, एक ऐसी बिजनेस एंटिटी को जिसका टर्नओवर ज्यादा है 10 लाख 20 लाख 40 लाख से, मीन्स जीएसटी में रजिस्टर है, इन दैट केस यहाँ पर आरसीएम आएगा, ठीक है। जो बाकी जितने भी केस होंगे सब में वो एग्जम्प्ट है। एक ऐसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं जो इसका टर्नओवर ज्यादा है 10 लाख 20 लाख या 40 लाख से, मीन्स ऐसी बिजनेस एंटिटी जो जीएसटी में रजिस्टर है, इन दैट केस क्या होगा, ये एग्जम्प्ट होगा। इन दैट केस क्या होगा, वो आरसीएम टैक्सेबल होगा। जो बाकी केस में क्या होगा, वो एग्जम्प्ट होगा। कोई इंडिविजुअल है, कोई ऐसी बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर कम है, कोई गवर्नमेंट है, इन केस में एग्जम्प्ट रहेगा। ओके ओके, देन लीगल सर्विसेज टैक्सेबिलिटी, इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, ये एडवोकेट है, ये किसी डिस्ट्रिक्ट में वर्क कर रहा है, ठीक है, ये वर्क कर रहा है किसी जिले के अंदर, ओके, ये वर्क कर रहा है हाई कोर्ट के अंदर, और ये वर्क कर रहा है हाई कोर्ट के अंदर, इसके पास क्लाइंट आया जो यहां पर उसका केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो केस यहां पर हार गया, तो उसको क्लाइंट बोलता है कि मैं केस फाइल करूंगा हाई कोर्ट के अंदर, तो उसने इससे कॉन्टेक्ट करा, ठीक है, इसको बोला कि ये वहां पे आप केस फाइल कर दीजिए, और इससे एडवाइस ले रहा है, जो ये वाला एडवोकेट है वो इससे एडवाइस ले रहा है, कोई एडवोकेट है, कोई फर्म है, वो एडवाइस ले रही किसी और एडवोकेट से, किसी और फर्म से, इन दैट केस क्या होगा, ये एग्जम्प्ट होगा, ठीक है, ये प्रोवाइड करा सर्विस इसको, तो ये एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर ये सर्विस ले रहा है किसी सीनियर एडवोकेट से, ठीक है, कोई एडवोकेट नहीं है, कोई फर्म नहीं है, कोई सीनियर एडवोकेट है, इन दैट केस क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। ये सीनियर एडवोकेट क्या होता है, जैसे हमारे सीए में होते हैं ना, एफ सी ए होते हैं, ए सी ए होते हैं, एफ सी ए इसको बोलते हैं हम फेलो मेंबर, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसको 10 साल या फिर 5 साल हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए, मेरे को पता नहीं है कंप्लीट कि 10 साल या 5 साल कुछ भी होगा, इसको 10 साल हो चुके हैं प्रैक्टिस करते हुए, उसको हम बोलते हैं एफ सी ए, मतलब सीनियर है पड़ा वो। वैसे कोई सीनियर एडवोकेट होगा वो प्रोवाइड कर रहा है किसी फर्म को या फिर एडवोकेट को, तो यहाँ पर टैक्सेबल होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, यहाँ पर टैक्सेबल होगा। और आपने ध्यान रखना है, इसको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर 10 लाख का 20 लाख का इसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जो थ्रेशोल्ड होता है ना, इसका जो थ्रेशोल्ड है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद टैक्सेबल होगा, ठीक है। जो थ्रेशोल्ड तो मिलेगा हर पर्सन को मिलता है, वो तो कोई मर्जी हो, चाहे एडवोकेट हो चाहे मैं हूँ, थ्रेशोल्ड तो हर किसको मिलता है, तो उसका बेनिफिट मिलेगा इसको यहाँ पर 10 लाख 20 लाख का, ठीक है। लीगल सर्विस यहाँ पे कंप्लीट होता है, हम आगे चलते हैं, बाय एंड डू गवर्नमेंट सर्विसेज। ओके ओके, देखिएगा अगेन याद कीजिएगा आरसीएम वाला चैप्टर, हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है कोई गवर्नमेंट, कोई सीजी है, एचजी है, एलए है, कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, इसको प्रोवाइड कर रही है एक ऐसी बिजनेस एंटिटी जो है लोकेटेड है इन टैक्सेबल टेरिटरी, मींस इन इंडिया है, इन दैट केस क्या होगा, जो बिजनेस एंटिटी है वो टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम, जो बिजनेस एंटिटी है वो टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम इन दैट केस, एक्सेप्ट पति सर्विसेज लाइक पोस्ट डिपार्टमेंट होगा, एयरक्राफ्ट होगा, वेसल होगा, कोई ट्रांसपोर्टेशन होगा ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, या फिर कोई होगी इमोबाइल प्रॉपर्टी की रेंटिंग, ठीक है। इसके अलावा कोई भी केस होगा वो कौन पे करेगा टैक्स, जो बिजनेस एंटिटी है वो टैक्स पे करेगी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। या फिर ये कहां गया, रेंटिंग ऑफ द इमोबाइल प्रॉपर्टी इस केस में, ठीक है, कोई सीजी है, एचजी है, एलए है, कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, ये प्रोवाइड कर रहे हैं टू एनी रजिस्टर पर्सन को, टू एनी रजिस्टर पर्सन, तो जीएसटी में रजिस्टर है, इन दैट केस यहां पे क्या अप्लाई होगा, यहां पे आरसीएम अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि इन पति का क्या होगा, ये एग्जम्प्ट है टैक्सेबल है, या फिर जो बाकी केस है इसमें कुछ एग्जम्प्ट है कुछ टैक्सेबल है, कुछ एग्जम्प्ट है कुछ टैक्सेबल है, इसको हम क्लियरली इन दोनों को मिक्स करके हम स्टडी कर लेते हैं यहां पर। ओके ओके, देखिएगा यहां पर आप तो सर्विस बाय या फिर टू गवर्नमेंट। ओके देखिएगा, केजरीवाल जी आ गए, मोदी जी आ गए, पप्पू जी आ गए, देन मनमोहन सिंह जी आ गए, ठीक है। हम देख रहे हैं पहले कि जो पति है इसका क्या होगा, पति पी का मतलब क्या होता है,
सर्विस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट, डाक या डाकलाया सर, ठीक है, भारतीय डाकघर। तो कोई पोस्ट कार्ड होगा, कोई इनलैंड कार्ड होगा, इनलैंड लेटर होगा, कोई बुक पोस्ट होगा, कोई ऑर्डिनरी पोस्ट होगा, इसका जो एनवलप है वो लेस देन 10 ग्राम का है, इन दैट केस वो एग्जम्प्ट रहेगा, ठीक है। या फिर कोई अदर सर्विस होगी लाइक स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, बाकी कोई भी सर्विस होगी सारी सारी यहां पर टैक्सेबल है, ठीक है। ये क्या होता है कि जो पोस्ट कार्ड है, जो इनलैंड कार्ड है, इसमें क्या होता है कि आप चिट्ठी भेज रहे हैं, आप इधर का मेल भेज रहे हैं, जैसे आप आजकल वो करते हैं ना, आप व्हाट्सअप कर देते हैं, आप मेल भी देते हैं, आप ईमेल भेज देते हैं, ये वैसे ही है। अगर कोई इनको भेजता ही नहीं है तो एग्जम्प्ट है। या कोई आपको बुक भेज रहा है, या फिर होगा ऑर्डिनरी पोस्ट जिसका एनवलप कम है 10 ग्राम से, तो एग्जम्प्ट है। इसको आप कैसे लर्न करोगे? इसको आप लर्न करोगे पोस्ट सीबीआई, पोस्ट सीबीआई, सी बी आई एंड पोस्ट, ठीक है, पोस्ट सीबीआई इज एग्जम्प्ट, बाकी कुछ भी होगा पोस्ट डिपार्टमेंट का वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। देन पी हो गया, एंड एटीसी क्या आएगा, एसे क्या आएगा, सर्विस इन रिलेशन टू ए एयरक्राफ्ट या फिर वेसल इनसाइड या फिर आउटसाइड द एयरपोर्ट, जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर रही है सर्विस यहां पर किसी एयरक्राफ्ट के वेसल की, लाइक रिपेयर होगा, लाइक मेंटेनेंस होगा, या फिर कोई पार्किंग चार्जेस होंगे, पार्किंग चार्जेस, ऑल आर टैक्सेबल अंडर द एफसीएम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो हमने यहां पे पढ़ा, जो पोस्ट कार्ड वाला है ये टैक्सेबल अंडर एफसीएम है, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स पे करेगी यहां पर। देन ये टैक्सेबल है, या फिर गवर्नमेंट कर रही है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑफ गुड्स या पैसेंजर, ये भी टैक्सेबल होगा, लेकिन सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, लाइक जो एसी वाली बस है वो टैक्सेबल होगी, चाहे गवर्नमेंट की चाहे प्राइवेट की है, लेकिन नॉन एसी बस है, कोई फिक्स रूट से है, तो दोनों एग्जम्प्ट होगी, ठीक है, सब्जेक्ट टू द एग्जम्पशन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ओके। मीन जो प्राइवेट बसेज हैं, जो गवर्नमेंट बसेज हैं, जो गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट है गुड्स और पैसेंजर का, इसको हम ट्रीट करेंगे एट पार विद द प्राइवेट सेक्टर, एट पार विद द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अगर उनका एग्जम्प्ट है तो इनका भी एग्जम्प्ट है, उनका टैक्सेबल तो इनका भी टैक्सेबल है, ओके ओके। देन आईसी क्या आएगा, आईसी आएगा रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। तो हमने क्या देखा था पहले कि अगर प्रोवाइड किया जा रहा है रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वहां पे आरसीएम आता है, तो वहां पे आरसीएम आता है, लेकिन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो यहां पर एफसीएम आएगा, यहां पर गवर्नमेंट टैक्स पे करेगी, ठीक है। लेकिन इन बोथ द केसेस इफ द अमाउंट इज अप टू 5000 इट इज एग्जम्प्ट, अगर 5000 तक का रेंट होगा तो यहां पर एग्जम्प्ट होगा इन दोनों केस के अंदर, ये आपको ध्यान रखना, इसको आपने लर्न कर लेना, ठीक है। सेम बात आपकी बुक में लिखी गई, इसको आप रीड कर सकते हैं। ध्यान देखिएगा, ऑल अदर सर्विसेज एक्सेप्ट पति, देखिएगा हमने पति को देख लिया, पति का क्या होगा, जो बाकी सर्विस गवर्नमेंट का उसका क्या होगा, जो गवर्नमेंट की बाकी सर्विसेज हैं, ऑल द अदर सर्विसेज एक्सेप्ट पति, ठीक है, प्रोवाइड कर रहे हैं किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को, इन दैट केस यहां पर एग्जम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइड करें किसी बिजनेस एंटिटी को जिसका टर्नओवर है वो कम है 10 लाख 20 लाख 40 लाख से कम है, इन दैट केस एग्जम्प्ट होगा। एक ऐसी बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर ज्यादा है 10 लाख 20 लाख या 40 लाख से, मीन्स वो रजिस्टर्ड जीएसटी है, ठीक है, साथ में जो अमाउंट चार्ज करिए गवर्नमेंट वो ज्यादा है 5000 से, तो यहां पर आरसीएम आएगा, अगर कम होगा अमाउंट इससे तो यहां पर एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें ध्यान में रखना है, जैसा हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करे सर्विस किसी भी बिजनेस एंटिटी को तो टैक्सेबल होता है आरसीएम, कब होगा, अगर वो होगी नॉन बिजनेस एंटिटी तो एग्जम्प्ट है, इसका टर्नओवर कम है 20 लाख 10 लाख 40 लाख से तो एग्जम्प्ट है। एक ऐसी बिजनेस एंटिटी जो जीएसटी में रजिस्टर है, ठीक है, उसमें हम चेक करेंगे कि जो अमाउंट चार्ज की जा रही है वो ज्यादा है 5000 से, ठीक है, तो आरसीएम आएगा, अदरवाइज वो एग्जम्प्ट रहेगा, अदरवाइज एग्जम्प्ट रहेगा। मैंने क्लास में लिखवाया था मेरे बच्चों को, दिखा देता हूं एक सेकेंड, देखिएगा, सर्विस बाय द गवर्नमेंट प्रोवाइड करें नॉन बिजनेस एंटिटी को तो एग्जम्प्ट है, प्रोवाइड करें किसी बिजनेस एंटिटी को वो रजिस्टर अंडर रजिस्टर लिमिट से कम है
10 लाख 20 लाख 40 लाख से टर्न ओवर उसका कम है, मीन्स वो अनरजिस्टर्ड है तो एग्जम्प्ट है। अगर वो रजिस्टर है अंडर जीएसटी अप टू 5000 होगा तो एग्जम्प्ट है, इससे ज्यादा होगा तो यहाँ पर टैक्सेबल होगा अंडर आरसीएम। डन। देन जो पति केस में क्या होगा, जो पी है सीबीआईसी पोस्ट केस में क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। जो बाकी होगा टैक्सेबल होगा अंडर एफसीएम। जो एटी है उसमें क्या होगा, टैक्सेबल होगा अंडर एफसीएम सब्जेक्ट टू द एग्जम्प्शन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जो आई में क्या होगा, अगर रजिस्टर पर्सन है तो यहां पर आरसीएम आएगा, अगर अनरजिस्टर्ड है तो यहां पर एफसीएम आएगा, लेकिन अप टू 5000 इन बोथ केस एग्जम्प्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, बिल्कुल मस्त वाला चार्ट है वाला, इसके आप अगर फोटो क्लिक करें तो आप क्लिक कर सकते हैं। चलें आगे, चलेगा यहां देखिएगा। तो सर्विस बाय द ओल्ड एज होम्स टू इट्स रेजिडेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है यहां पर विद आश्रम। ठीक है, ऐसे पर्सन की एज 60 ईयर है इससे ज्यादा है और गवर्नमेंट अमाउंट चार्ज कर रही है अप टू 25,000 रुपीज। ठीक है, बाय सीजीएसटी होगा, बाय कोई भी ऐसी एंटिटी रजिस्टर है, कोई ट्रस्ट वगैरह है तो यहां पर एग्जम्प्ट होगा। ओके, देन सर्विस बाय द रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स लाइक फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट बाय वे ऑफ थेरेपी काउंसलिंग एट द मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, कोई अस्पताल होगा, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा, कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर होगा, एस्टेब्लिशमेंट जो बाय गवर्नमेंट है बाय ट्रस्ट है, इन दैट केस वो एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, देन दिस इज इंपॉर्टेंट, समझ लीजिए आराम से, समझा दूंगा अगर आपको मैं, तो हम आगे चलेंगे। देखिएगा, असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट द रॉयल्टी टू ईआरसीसी एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कलेक्टर। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको लाइसेंस दिया, इस माइनर को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने इस माइनर को यहां पर लाइसेंस दिया कि आप यहां पर माइनिंग कीजिए, आप कोयला निकालिए। तो ये बोला कि हम निकालेंगे यहां से 1 लाख टन कोयला, हम निकालेंगे यहां से 1 लाख टन कोयला। ठीक है, तो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं यहां पर 1 करोड़ रुपए एज ए रॉयल्टी। ठीक है, जो माइनर है यहां पर गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं 1 करोड़ एज ए रॉयल्टी फॉर माइनिंग ऑफ 1 लाख टन कोल के लिए, कोयला टन वो माइनिंग करेंगे इसके लिए पे कर रहे हैं यहां पर रॉयल्टी 1 करोड़ रुपीज टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये किस केस में आएंगे, इस केस में आएंगे, यहां पर इस केस में अमाउंट ज्यादा है 5000 से तो टैक्स पे करेंगे अंडर आरसीएम, ये टैक्स पे कर देंगे अंडर आरसीएम 1 करोड़ के ऊपर 18% से 18 लाख रुपए। ठीक है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां पिक्चर में आता है एक पर्सन लाइक मैं आ गया, मैंने दिमाग लगाया कि जो माइनर है ना वो 1 लाख टन नहीं निकालेगा, वो निकालेगा यहां पर 3 लाख टन। ठीक है, उसको जो रॉयल्टी है उसको और पे करनी पड़ी गवर्नमेंट को, जो अमाउंट पे कर रहा है 1 करोड़ की वो 1 लाख टन के लिए है, उसको मतलब 2 करोड़ और पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। मैं सट्टा लगा रहा हूं यहां पर आकर के, मैंने आके गवर्नमेंट को बोला कि ये निकालेगा यहां से 2.5 लाख टन। ठीक है, यहां से निकालेगा वो 2.5 लाख टन, मींस वो 1.5 करोड़ आपको और पे करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है अगर ऐसा है तो यूं कर तो हमको दे 1.5 करोड़, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना 1 करोड़ तो उसको मिल चुके हैं, आप हमें पे कीजिए 1.5 करोड़, तो जितने पैसे आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, आपको 10 करोड़ मिलते हैं, 5 करोड़ मिलते हैं, वो सारे आपके। ठीक है, मैं सट्टा लगा रहा हूं यहां पर, मेरे माइंड में चल रहा है कि ये करने वाला है 3 लाख टन की माइनिंग, ये देगा मुझको 2 करोड़ रुपए और, मैं गवर्नमेंट को पे कर देता हूँ 1.5 करोड़, मैंने गवर्नमेंट को बोला है 2.5 लाख टन, वैसे मुझको लगता है करेगा ये 3 लाख टन की माइनिंग, मुझको देगा 2 करोड़ रुपए, मैं गवर्नमेंट को पे कर देता हूँ 1.5 करोड़, बाकी 50 लाख मैं कमा जाऊंगा। तो गवर्नमेंट कहता है ठीक है, गवर्नमेंट मुझको दे दिया यहाँ पर लाइसेंस। ठीक है, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन। ठीक है, मुझको मिल गया यहाँ पर लाइसेंस, मुझको राइट मिल गया कि इससे अमाउंट को मैं कलेक्ट कर पाऊंगा, मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ 1.5 करोड़। ओके, मैं गवर्नमेंट को पे कर रहा हूँ 1.5 करोड़, मुझको राइट मिल गया कि जितनी माइनिंग करेगा ये चाहे 5 लाख टन की करे चाहे 10 लाख टन की करे, सारी अमाउंट मेरी होगी। ठीक है, हम बात करें कि जो मैंने गवर्नमेंट को 1.5 लाख पे करा है, इस पर जीएसटी कौन पे करेगा, जीएसटी मैं पे करूंगा अंडर आरसीएम, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ यहां पर एग्जम्प्ट कर दिया है, क्या एग्जम्प्ट करा है देखिएगा। माइनर डिड द कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट फॉर द माइनिंग ऑफ 1 लाख टन,
ठीक है, जिसके लिए उसने 1 करोड़ पे कर दिया गवर्नमेंट को और टैक्स पे कर दिया अंडर आरसीएम। लेकिन जो ईआरसीसी है, मैं आया, मैंने यहां पर राइट बाय कर लिया 1.5 करोड़ के अंदर, ठीक है। लेकिन जो माइनर ने एक्चुअल माइन करा यहां पर, जो यहां पर कोयला निकला, वो निकला यहां पर 1,50,000 का, 1,50,000 टन का कोयला निकला यहां पर, 1,50,000 टन का यहां पर कोयला निकला। मैं सोच रहा निकलेगा 3 लाख टन का, ठीक है, और मैंने गवर्नमेंट को बोला निकलेगा यहां पर 2.5 लाख टन का, एक्चुअल में निकला 1.5 लाख टन का, 1.5 लाख टन का निकला, ठीक है। इसने मुझको दिए 50 लाख रुपए सिर्फ, मैंने गवर्नमेंट को पे कर रखा यहां पर 1.5 करोड़ रुपीस, मेरे को मिले 50 लाख, मेरे को 1 करोड़ का लॉस हो गया यहां पर, ठीक है। लेकिन जैसे इसने मुझको 50 लाख रुपए पे करे, इसने गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करा होगा जीएसटी यहां पर अंडर आरसीएम, क्योंकि अमाउंट किसी चीज की है, ये अमाउंट रॉयल्टी की अमाउंट है, चाहे मेरे थ्रू पे कर रहा है वो, लेकिन पे तो गवर्नमेंट को हो रही है ना, तो यहां जीएसटी पे करेगा अंडर आरसीएम। तो 50 लाख पे इसने जीएसटी पे कर दिया, जो माइनर है इसने 50 लाख पे 18% से 9 लाख रुपए जीएसटी पे कर दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रही कि जो 50,000 रुपए हैं, जो 50 लाख रुपए हैं, उस पर जीएसटी इसने पे कर दिया है, जो बाकी का अमाउंट है 1 करोड़ की, उस पर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो 50 लाख पे इसने पे कर दिया है वो मेरे लिए एग्जम्प्ट है, वो मेरे लिए एग्जम्प्ट है, जो बाकी का 1 करोड़ है उसको उस पे करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर ये करता 3 लाख टन की माइनिंग, मुझको पे करता है यहाँ पर 2 करोड़ और गवर्नमेंट को उस पर टैक्स पे कर देता जीएसटी, तो क्या होता, जो मैंने गवर्नमेंट को 1.5 करोड़ दी है वो सारा फुल एग्जम्प्ट हो जाता, तो क्या होता है पर फुल एग्जम्प्ट हो जाता, ठीक है। लेकिन जो हिस्सा इसने पे कर दिया है, जो 1.5 करोड़ का मेरा हिस्सा उसने जीएसटी पे कर दिया है 50 लाख के ऊपर, वो मेरे लिए एग्जम्प्ट है। अगर वो माइनिंग करता 2 करोड़ की, 2 लाख टन की, कहां गया, सॉरी, वो माइनिंग करता 3 लाख टन की, इन डायरेक्ट मुझको पे करता वो 2 करोड़ रुपीज, मेरे को बेनिफिट होता है 50 लाख रुपए का, ठीक है। और वो 2 लाख टन की माइनिंग कर रहा है तो 2 करोड़ पर जीएसटी पे करता गवर्नमेंट को 36 लाख का, ठीक है। इनडेटेंस क्या होगा, जो मेरी पूरी अमाउंट है वो एग्जम्प्ट हो जाएगी, तो क्या कह रहे हैं कि जितनी अमाउंट उसने जीएसटी पे कर दिया है, जो कोयले वाला है, जो माइनर है, जितनी अमाउंट उसने जीएसटी पे कर दिया है वो मेरे लिए एग्जम्प्ट है, जितनी उसने नहीं पे करा उसे मेरे को पे करना पड़ेगा, तो डिफरेंस अमाउंट मेरे को पे करना पड़ेगा यहां पर। देखिएगा एक्सेस माइन कितना हुआ यहां पर, 50,000 टन का हुआ है, ठीक है, जो 100 पर टन है, मींस 50 लाख रुपए बनते हैं यहां पर। देन जीएसटी पेड बाय द माइनर, 50 लाख का 18% कितना बनेगा, 9 लाख, इसने 9 लाख पे कर दिया माइनर ने ऑन एक्सेस रॉयल्टी। सो आरसीएम टू बी पेड बाय द ईआरसीसी, इसको पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। देखिएगा जो 9 लाख का है, जो 9 लाख का है उसने पे कर दिया ये वाला 50 लाख के ऊपर, जो बाकी बचा 1 करोड़, 50 लाख तो माइनर ने पे कर दिया, जो बाकी बचा 1 करोड़ ये मेरे को पे करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए एग्जाम्ट हो चुका है, ठीक है। मेरे को लॉस क्या हुआ, मेरे को 1 करोड़ का लॉस हो गया, प्लस मुझको 18 लाख का जीएसटी पे करना पड़ा, प्लस मेरे को 18 लाख का जीएसटी पे करना, ठीक है। हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो 50 लाख पे जीएसटी इसने पे कर दिया एक्सेस के ऊपर ये वाला, ये मेरे लिए एग्जाम्ट है, हम इसकी बात कर रहे हैं। पूरी कहानी क्रक्स क्या है, ये अमाउंट यहाँ पर एग्जाम्ट है, ओके। देन डेफिनेशन देखिएगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी का मीनिंग क्या होगा, एंटिटी का मीनिंग क्या होगा, एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी अथॉरिटी जो सेटअप है बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ओके, या फिर वो एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट है जिसमें पार्टिसिपेशन है मोर देन 90%, ठीक है। जो लोकल अथॉरिटी उसका मीनिंग क्या होगा, कोई पंचायत है, कोई म्यूनसिपैलिटी है, जिला परिषद है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, कंटेंटमेंट बोर्ड है, रीजनल बोर्ड है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, कोई डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है। कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है लाइक झांसी डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दीज आर नॉट द लोकल अथॉरिटी, दीज आर नॉट द लोकल अथॉरिटी। डन डन। देन सर्विस बाय द पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट टू PSU या बिजनेस एंटिटी इज नॉट एग्जम्प्ट एंड टैक्सेबल अंडर आरसीएम, ठीक है, टैक्सेबल होती है। एंड अकोमोडेशन सर्विस बाय द एयरफोर्स या अदर सर्विसेज मैसेज लाइक आर्मी मैस, नेवी मैस या कोई पार्लियामेंट्री पुलिस फोर्सेज होगा, ये सब कुछ क्या एग्जम्प्ट है। हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर कि ऑल द सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट अदर देन द बिजनेस एंटिटी एग्जम्प्ट एक्सेप्ट द एक्सप्लेनेड अबव, ठीक है। पति को छोड़कर के गवर्नमेंट की सारी सर्विस एग्जम्प्ट है, वो प्रोवाइड की जा रही है कोई अदर देन बिजनेस एंटिटी है, अदर देन बिजनेस एंटिटी है, इन दैट केस वो एग्जम्प्ट है।
ठीक है जी, देख कहते हैं देन सर्विस बाय द गवर्नमेंटल अथॉरिटी इन रिलेशन टू ए फंक्शन एंटस्टेड अंडर द म्यूनसिपैलिटी और पंचायत। जो म्यूनसिपैलिटी है उसकी सर्विसेज है, कोई पंचायत है सर्विसेज है, वो सारी यहाँ पर एग्जाम्प्ट है। देन सर्विस बाय द सी जी एच जी यू टी एल ए बाय वे ऑफ इश्यूएंस ऑफ द पासपोर्ट वीजा ड्राइविंग लाइसेंस बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट या कोई रजिस्ट्रेशन होगा अंडर एनी लॉ लाइक कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप में आप रजिस्टर हो रहे हैं या फिर आप कोई शॉप एक्ट में रजिस्टर हो रहे हैं, कोई आप लाइसेंस ले रहे हैं, टेस्टिंग होगा, कैलिब्रेशन होगा, सेफ्टी चेक होगा, सर्टिफिकेशन होगा, लाइक कोई होती है ना फायर ब्रिगेड होती है जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है उसका आप लाइसेंस ले रहे हैं, तो सब कुछ का यहाँ पर एग्जाम्प्ट है। देन ग्रांटिंग द लोन्स टू इट्स पी एस यू अंडरटेकिंग फ्रॉम ए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओनली बाय द सी जी एच जी यू टी आर एग्जाम्प्ट। ठीक है, कोई गवर्नमेंट की कंपनी है वो लोन ले रही है किसी बैंक से, तो गवर्नमेंट कर रही है उसे गारंटी दे रही है, तो बदले में करेगी गवर्नमेंट अमाउंट चार्ज करेगी उस कंपनी से, जो गवर्नमेंट की कंपनी है गवर्नमेंट खुद ही कंपनी से कुछ अमाउंट चार्ज करेगी वो गारंटी देने के लिए उस बैंक को, तो जो गारंटी की चार्ज कर रही है अमाउंट यहाँ पर गवर्नमेंट, वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट है। वो कौन होना चाहिए, सी जी होगी, एच जी होगी, यू टी होगी, तो एग्जाम्प्ट है, एल ए होगा टैक्सेबल होगा। देन सी जी एच जी यू टी एल ए टू अनदर सी जी एच जी यू टी एल ए एक्सेप्ट पति, ठीक है पति टैक्सेबल है, बाकी सब कुछ यहाँ पर एग्जाम्प्ट है। देन टोलडेटिंग द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द फाइन्स लिक्विडिटी चार्जेस इज एग्जाम्प्ट। लाइक आपने गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, तो गवर्नमेंट आप पे फाइन लगा रही है, आपसे फाइन चार्ज कर रही है, तो यहाँ पर एग्जाम्प्ट होगा, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। देन राइट टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज टू ए फार्मर फॉर एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट। देखिएगा ड्यूपिटिंग ऑफिसर्स आफ्टर द ऑफिस आवर्स ऑन हॉलीडेज इन रिलेशन टू द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो ऑन पेमेंट ऑफ द मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस। देखिएगा यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन है, ये वर्क करता है यहाँ पर कस्टम स्टेशन के ऊपर, जहां पर कोई एरोप्लेन आता है, यहाँ पे कोई शिप आता है, इसमें आप गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, वहां पे वर्क करता है, लेकिन ये वर्क कर रहा है आफ्टर वर्किंग आवर या फिर वर्क कर रहा है ऑन हॉलीडेज। ठीक है, वैसे वो जॉब कर रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसको सैलरी मिलती है, तो शेड्यूल थ्री में आती है, वो सप्लाई नहीं है, लेकिन वो वर्क कर रहा है आफ्टर वर्किंग आवर्स, वो कर रहा है होल्डेज वर्क, जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है उनसे वो अमाउंट चार्ज कर रहा है एक्स्ट्रा, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, वो यहाँ पर एग्जम्प्ट है। जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर है उनसे अमाउंट चार्ज कर रहा है एक्स्ट्रा, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, वो यहाँ पर एग्जम्प्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, चले आगे, चलेगा दैट में आप आगे देखिएगा। देखिएगा टू गवर्नमेंट, ठीक है टू गवर्नमेंट में क्या आएगा, सर्विस बाय ए गवर्नमेंट एंटिटी टू सी जी एच जी यू टी लोकल अथॉरिटी या फिर एनी स्पेसिफाइड पर्सन अगेंस्ट द कंसीडरेशन फॉर्म ग्रांट इज एग्जाम्प्ट। ओके, देन सर्विस प्रोवाइड बाय द फेयर प्राइस शॉप्स टू सी जी एच जी यू टी अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगेंस्ट द कमीशन। लाइक जो आपके घर के पास शॉप्स होती हैं डिपो वगैरह वाली, जहाँ पे अनाज मिलता है, कनक मिलती है और तेल भी आता है, कुछ चीनी वगैरह भी आती है, जो डिपो वाले हैं वहां पर जो प्रोवाइड कर रहे हैं फेयर प्राइस शॉप्स, ठीक है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो चार्ज करते हैं गवर्नमेंट से कमीशन, तो उनका कमीशन है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट आने वाला है। ठीक है, देन इंश्योरेंस सर्विसेज टू सी जी एच यू टी होगा फॉर विच टोटल प्रीमियम पेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जो प्रीमियम जो इंश्योरेंस सर्विस है कोई गवर्नमेंट ले रही है, वो सी जी एच यू टी ले रही है, वो प्रीमियम पे कर रही है बाय गवर्नमेंट, इन दैट केस यहाँ पर एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, कोई ट्रेनिंग होगा, कोई ट्रांसपोर्ट, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा फॉर विच 75% और मोर बोर्न बाय द सी जी एच जी और यू टी, ठीक है इन दैट केस क्या होगा, ये एग्जाम्प्ट होगा। या फिर प्योर सर्विसेज कंपोजिट सप्लाई गुड्स नॉट मोर देन द 25%। ठीक है, एक यहाँ पे रोड बनाना है, एक यहाँ पे रोड बनाना है, तो गवर्नमेंट ने एक पर्सन को बुलाया कि आप यहाँ पे रोड बनाइएगा। ठीक है, ये पर्सन प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को, हम बात कर रहे हैं पर पंचायत की या फिर म्यूनसिपैलिटी की। ठीक है, प्योर सर्विसेज कंपोजिट सप्लाई इन रिलेशन टू द 243G एंड 243W मीन्स पंचायत और म्यूनसिपैलिटी गिवन टू सी जी एच जी यू टी इज एग्जाम्प्ट। ठीक है, प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर रोड बना करके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो अमाउंट चार्ज कर रहे हैं वो चार्ज कर रहे हैं सिर्फ सर्विस की,
ठीक है, अगर गुड्स होगा भी सही तो वो अप टू 25% होगा, तो यहां पर एग्जम्प्ट होगा सर्विसेज। ठीक है, हम बाकी देख लेते हैं। अदर सर्विसेज जस्ट इट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं डिटेल में कवर कर लूं। ठीक है, हम देख लेते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को, देखिएगा। सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, देखिएगा, एक्सटेंडिंग द डिपॉजिट लोन एडवांस अगेन द इंटरेस्ट और डिस्काउंट। ठीक है, जो बैंक है वो किसी को लोन दे रहे हैं उसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, या कोई एडवांस दे रहे हैं, कोई डिपॉजिट दे रहे हैं, या फिर आप, हम खाली बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे आप कोई लोन दे रहे हैं, कोई एडवांस दे रहे हैं, आप किसी इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, या फिर कोई डिस्काउंट चार्ज कर रहे हैं, जैसे वो होते हैं ना बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज उसको डिस्काउंट करते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले अकाउंट्स के अंदर उसको डिस्काउंट करते हैं, तो बैंक इसकी डिस्काउंट चार्ज करता है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी अमाउंट चार्ज कर रहा है उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, अगर जो क्रेडिट कार्ड होगा उसका इंटरेस्ट होगा तो उस पर जीएसटी आएगा। लेकिन हम साथ में ये भी लर्न रखना है कि जो हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर था, ठीक है, जो सेल्समैन है वो खुद इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, मैंने आपको आइटम सेल करी है और मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूं उस आइटम को डिले पेमेंट के लिए, तो आपकी वैल्यू मैट होता है। लेकिन कोई थर्ड पार्टी लोन दे रही है, कोई बैंक लोन दे रहा है, डिस्काउंट कर रहा है, इन दैट केस क्या है, एग्जम्प्ट है वो। ठीक है, कोई क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल है, वो एग्जम्प्ट नहीं है यहां पर। ठीक है, देन तो जो लोन वगैरह है यहां पर वो एग्जम्प्ट है, इसका इंटरेस्ट जो एग्जम्प्ट है। देन सेल या परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी अमंग द बैंक्स, जो बैंक है वो आपस में बाय सेल कर रहे हैं फॉरेन करेंसी को, या फिर ऑथराइज डीलर्स, जो डीलर हैं वो आपस में बाय सेल कर रहे हैं, या फिर जो बैंक है जो डीलर है वो आपस में बाय सेल कर रहे हैं, मीन्स कस्टमर बीच में नहीं आ रहा है, अगर कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो टैक्सेबल होगा, जो बैंक है जो डीलर्स हैं वो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, बाय सेल कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, देन प्रधानमंत्री जनधन योजना की सर्विसेज भी यहां पर एग्जाम्प्ट है। ठीक है, देन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग थ्रू द क्रेडिट और द डेबिट कार्ड और द अदर पेमेंट कार्ड सर्विसेज अप टू द 2,000 rupees पर ट्रांजेक्शन इज एग्जाम्प्ट। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपका कार्ड होता है, आपका डेबिट कार्ड होता है, आपका क्रेडिट कार्ड होता है, उसको आप स्वाइप करते हैं, उसका स्वाइप करते हैं, ये कार्ड किसी और कंपनी का है, ये तो HDFC का है, और ये लगा लीजिए ये है अपना SBI का। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, ये वाला जो ये बैंक होगा ये कुछ अमाउंट चार्ज करता है, ये अमाउंट चार्ज करता है, स्वाइप की फीस चार्ज करता है, क्योंकि इसका हम यूज कर रहे हैं यहां पर मशीन इसकी यूज कर रहे हैं, तो अप टू 2,000 rupees से ट्रांजेक्शन होगी तो कोई चार्ज पे या फिर जीएसटी नहीं आएगा, अगर 2,001 rupees होगा इससे ज्यादा होगा तो उस पर जीएसटी आएगा, तो उस पर जीएसटी आएगा। ठीक है, देन सर्विसेज बाय द इंटरमीडियरी लोकेटेड इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर टू ए कस्टमर लोकेटेड द आउटसाइड इंडिया फॉर द इंटरनेशनल सर्विसेज रिलेटेड टू द फोरेक्स। हमारी कंट्री के अंदर बने हुए वाले इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है, ये कर रहे हैं, ये प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, कोई ऐसा पर्सन जो कस्टमर है जो बैठा है इंडिया के बाहर, इंडिया के वो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, रिलेटेड टू द फोरेक्स, कोई लोन दे रहे हैं इनको, या फिर या कोई इनको एक्सचेंज करके दे रहे हैं करेंसी को, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्प्ट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली इनको आपने रीड करना है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट आएगी एंट्री तो आपको वहां पर डिटेल में समझाऊंगा मैं, तो आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट इसको हमें करना है यहाँ पर। सर्विस बाय द बिजनेस फैसिलिटेटर या कोरेस्पोंडेंट टू ए बैंकिंग या फिर इंश्योरेंस कंपनी होगा, कोई इंटरमीडियरी होगा टू बिजनेस कोरेस्पोंडेंट या फिर बिजनेस फैसिलिटेटर होगा इन रूरल एरिया होगा, तो यहाँ पर एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है, देखिएगा, याद कीजिएगा, हमने पढ़ा था हमारे RCM के अंदर सर्विस बाय द बिजनेस फैसिलिटेटर प्रोवाइड करे किसी बैंक को, ये जस्ट लाइक DC होता है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। इस केस में क्या होता है, जो बैंक होता है वो RCM में टैक्स पे करता है, अगर इसका कोई एजेंट होगा तो टैक्स पे करेगा अंडर FCM, या फिर जो बिजनेस कोरेस्पोंडेंट होता है वो जस्ट लाइक बैंक की छोटी ब्रांच होता है, ठीक है, ये प्रोवाइड कर रहा सर्विस किसी बैंक को तो टैक्सेबल होगा अंडर FCM, तो इसका एजेंट है वो उसको प्रोवाइड कर रहा है टैक्सेबल होगा अंडर RCM।
ठीक है, लेकिन ये कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा, ये कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा अगर प्रोवाइड किया जा रहा है अंडर रूरल एरिया, किसी गांव में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें से कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, इसमें से कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा अगर प्रोवाइड किया जा रहा है किसी गांव के अंदर, ठीक है, अगर प्रोवाइड किया जा रहा है अंडर रूरल एरिया। अगर यहां पर अर्बन एरिया होगा तो टैक्सेबल होगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे आईसी ने एमसीक्यू पूछा हुआ है यहां पर, ठीक है, एमसीक्यू पूछा हुआ है, एमसीक्यू पूछा हुआ, डन डन। देन आपने ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट है अंडर द फाइनेंस लीज, आप पढ़ोगे अपने अकाउंट्स के अंदर कि एक फाइनेंस लीज होता है, एक होता है ऑपरेटिंग लीज। इसमें क्या होता है फाइनेंस लीज के अंदर, आपने कोई गाड़ी ले ली फाइनेंस लीज के ऊपर, ठीक है, इस पर्सन ने आपको गाड़ी दे दी है, आप पर मंथ क्या कर रहे हैं, आप लीज रेंटल पे कर रहे हैं और साथ में आप पे कर रहे हैं इंटरेस्ट उसको, ठीक है, लाइक परचेज द कार। आखिरी में क्या होगा, जो कार होगी आपको मिल जाएगी, आप पे करते रहे उसके अंदर जो रेंटल वगैरह है उसके साथ में इंटरेस्ट पे करते रहे, लास्ट में वो कार आपकी हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं फाइनेंस लीज, ठीक है। फर्दर इट्स नॉट प्योरली लोन, ये तरह का लोन नहीं है, ठीक है, इसको हम एज ए लोन ट्रीट नहीं करते हैं, तो ये एग्जाम्पल नहीं होगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है उसको हम एज ए लोन नहीं मानेंगे, उसको यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे, इतना ध्यान रखना आपने। कोई एफडी होगा, कोई लोन होगा, कोई डिपॉजिट होगा, कोई मॉर्गेज लोन होगा, कोई ऑर्डर फैसिलिटी होगी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा। रिपो क्या होता है कि जो बैंक है वो आरबीआई को लोन दे रहे हैं, और रिवर्स रिपो क्या होता है कि जो आरबीआई वो बैंक को लोन दे रहे हैं, इज एग्जम्प्ट। इन सबका इंटरेस्ट क्या है, वो एग्जम्प्ट है, इन सबका इंटरेस्ट क्या है, वो एग्जम्प्ट है। लेकिन बट फीस चार्ज फॉर द प्रोसेसिंग फीस, कोई इसके लिए कोई फीस चार्ज कर रहा है, आपने बैंक में एफडी कराई है, कोई बैंक फीस चार्ज कर रहा है, कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर रहा है, वो टैक्सेबल है। तो इंटरेस्ट मिल रहा है खाली वही एग्जम्प्ट है, बैंक को भी फीस चार्ज कर रहा है ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने के लिए, बैंक चार्जेस होते हैं वो सारे टैक्सेबल है, खाली इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है यहाँ पर। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है जी, रखोगे ध्यान में। देन हम आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर देखिएगा बैंकिंग सेक्टर बिल्कुल सेम है जहां पे लिखा गया, जस्ट रीड इट एंड लेफ्ट इट। देन हम बात कर लेते हैं इंश्योरेंस एंड पेंशन बिजनेस की, ठीक है, इसमें देखिएगा आप। हाँ जी, सो लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज बाय वे ऑफ एनुइटी अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उसमें रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, तो यहाँ पर एग्जम्प्ट है। या फिर कोई आर्मी है, कोई नेवल है, मतलब समुद्री वाली सेना है, कोई एयरफोर्स है, इनका होगा ग्रुप इंश्योरेंस फंड, तो ये सर्विस सारी यहाँ पर एग्जम्प्ट है, इन पर जीएसटी नहीं आएगा। कोई नेवल ग्रुप है, इंश्योरेंस फंड है, कोई समुद्र वाली, तो यहाँ पर एग्जम्प्ट है। या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस है, टू इट्स पर्सनल प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई पेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक AR, BSF, CISF, CRPF, ITBP, NG, SNG, SSB, इतने सारे तरह के पुलिस होते हैं, ये सारे इनको कोई इंश्योरेंस मिल रहा है इनकी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई पेंशन मिल रही है, वो सबको जहाँ पर एग्जाम उस पर जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है। देन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड अंडर द स्कीम लाइक जनधन, जनश्री, आम आदमी, वरिष्ठा पेंशन होगा, पीएम जीवन ज्योति होगा, पीएम जनधन होगा, पीएम वया वंदना होगा, तो सब कुछ क्या है, बीमा योजना, ये एग्जम्प्ट है, ओके। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस होगा जिसका कवर है यहाँ पर मैक्सिमम 2 लाख का, मींस अगर आप राम को प्यारे हो गए, अगर आप अल्लाह को प्यारे हो गए, अगर आप गॉड को प्यारे हो गए, अगर आप वाहेगुरु को प्यारे हो गए, इन डेट केस आपको यहाँ पे कवर मिल रहा है, आपको अमाउंट मिलेगी 2 लाख की, तो यहाँ पर एग्जम्प्ट है, ठीक है। एक ऐसा इंश्योरेंस इसमें आपका कवर है वो 2 लाख तक का है, ठीक है, तो यहाँ पर वो एग्जम्प्ट है। देन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये भी एग्जम्प्ट है। जनरल इंश्योरेंस, हट इंश्योरेंस या फिर कैटल इंश्योरेंस, देखिएगा आपका जो घर है आप इसका इंश्योरेंस कर रहे हैं, कोई बाढ़ आ जाती है, कोई तूफान आ जाता है, कोई आग लग जाती है, कोई बवंडर आ जाता है, तो आपको करते हैं इसको हम बोलते हैं हट इंश्योरेंस। या फिर आप कर रहे हैं यहां पर कैटल इंश्योरेंस, इसका मीनिंग क्या है कैटल इंश्योरेंस का, आप कर रहे हैं कैटल इंश्योरेंस, इसका मीनिंग क्या है यहां पर देखिएगा, वट इज कैटल इंश्योरेंस, द कैटल इंश्योरेंस प्रोटेक्ट द इंडियन रूरल पीपल फ्रॉम द फाइनेंशियल लॉस इनकर ड्यू टू डेथ ऑफ देयर कैटल, मीन्स उनके जो जानवर जिनको पालते हैं लाइक भेड़ बकरी, बकरी होगा, कोई भैंस को पाल रहे हैं, गाय को पाल रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ द कैटल इज हाई
एंड देयर लॉस कैन फोर्स फार्मर टू गेट इन डेट साइकिल। ठीक है, उनका मेन सोर्स इनकम का ये होता है कि वो गाय का दूध बेच रहे हैं या बकरी को चरा रहे हैं, ऐसे काम करते रहते हैं। विद कैटल इंश्योरेंस द फार्मर विल गेट द कंप्रीहेंसिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कैटल लॉस। ओके ओके जी, देन हम वापस चलते हैं बुक पे। ठीक है, री इंश्योरेंस ऑफ द अबव इंश्योरेंस, इसमें क्या होगा, जैसे एक LIC है, आपने इनसे इंश्योरेंस करवाया, ये आप है, आपने इनसे इंश्योरेंस करवाया, लेकिन जो LIC है उसने कोई महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, इसने जो आपने तो करवाया इंश्योरेंस इनसे है, आपने इनसे इंश्योरेंस करवाया 5 लाख रुपए का, इसने आगे इसको सेल कर दिया 4.5 लाख के अंदर। ठीक है, बाकी इसने अपना प्रॉफिट रख लिया, जो इंश्योरेंस है इसने इनको सेल कर दिया। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो बाकी अमाउंट कौन पे करेगा आपको, ये पे करेगा, ये इसको पे करेगा, ये आपको पे करेगा। ठीक है, जो इंश्योरेंस वाली कंपनी है उसने इंश्योरेंस किसी और को सेल कर दिया, इसको हम बोलते हैं री इंश्योरेंस करना। ठीक है, ऐसा बहुत चलता है हमारे मार्केट के अंदर, जो कंपनी है वो सेल कर देती है इंश्योरेंस को आगे, तो सब कुछ यहाँ पर एग्जम्प्ट है, इन सबका री इंश्योरेंस भी यहाँ पर एग्जम्प्ट है। देन कलेक्शन ऑफ द कंट्रीब्यूशन अंडर द अटल पेंशन योजना एंड एनी पेंशन स्कीम बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज एग्जम्प्ट। ओके, सारे अपन लर्निंग करनी, खाली जो मेन मेन पॉइंट है सही है, मेन मेन पॉइंट था यहाँ पर, या फिर यहाँ पर मेन पॉइंट कौन सा था, ये वाला मेन पॉइंट है, ये वाला मेन पॉइंट है, खाली इनको अपने लर्न करना, बाकी आपने खाली रीड करोगे छोड़ दोगे चलेगा। देन स्पेसिफाइड बॉडीज होगी तो क्या होगा, यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं, एनिमेशन देखिएगा, लाइक EPFO सर्विस बाय द एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एम्प्लॉय का PF होगा, प्रोवाइड करें सर्विस, तो यहाँ पर एग्जाम्प्ट है, कोई ESI होगा, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इस एग्जाम सर्विसेज हैं सारी। सर्विस बाय द कोल माइंस टू प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एग्जाम्प्ट है। सर्विस बाय द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट इज एग्जाम्प्ट, जो NPS है सब एग्जाम्प्ट है। साथ में जो सैटेलाइट लोन सर्विसेज हैं सप्लाइड बाय द इंश्योरेंस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इसरो, ये पता होगा आपको इसरो क्या है, अपना जो चंद्रयान इन्होंने भेजा है अभी रिसेंटली, तो एक सर्विस यहाँ पर एग्जाम्प्ट है वाली। ठीक है, तो इसरो है, इसकी सर्विस यहाँ पर एग्जाम्प्ट है बाय सैटेलाइट लोन सर्विसेज। ठीक है, ये कंप्लीट होता हमारा यहाँ पर। देन स्पोर्ट्स केस में क्या होगा, सर्विसेज प्रोवाइडेड, इस पर शायद मैंने बनाया होगा एनिमेशन, इसको हम देख लेते हैं, देखिएगा, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय कोई इंडिविजुअल होगा, लाइक कोई प्लेयर होगा वो प्रोवाइड कर रहा है, कोई रेफरी होगा, ये पता नहीं क्या करता है, ऐसी उंगली में टेढ़ी रहती है, सीधी उंगली नहीं करता आउट पर, बताना अगर पता हो आपको, तो कोई रेफरी है वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज किसी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, या फिर कोई मतलब कोई रेफरी होगा, कोई अंपायर होगा, या फिर कोई होगी अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, लाइक हमारा हो गया यहाँ पर BCCI हो गया, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स हो गया, भारतीय कुश्ती संघ हो गया, मतलब जो रिकॉग्नाइज है, आपसे ग्राम में आपको बताएंगे कि रिकॉग्नाइज है कि नहीं है, अगर वो रिकॉग्नाइज होगा ये आप पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे इसने इसको सर्विस प्रोवाइड कर दी तो यहाँ पर एग्जम्प्ट होगा, कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है प्रोवाइड करी सर्विसेज टू अनदर रिकॉग्नाइज बॉडी, इन दैट केस वो एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, आपको एग्जाम में बताएंगे कि रिकॉग्नाइज है, ये रिकॉग्नाइज है या फिर नहीं, आपको एग्जाम में बता देंगे वो। ठीक है, देन स्पॉन्सरशिप ऑफ द स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज, लाइक ये हमारी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड, कोई इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन होगा, ये कर रहे हैं, ये स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं कोई इनका स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कोई स्पोर्टिंग इवेंट, कोई इनका स्पॉन्सरशिप कर रहा है, कोई इनको स्पॉन्सर कर रहा है, इन दैट केस वो एग्जम्प्ट होगा। देन एडमिशन टू द इवेंट ऑर्गेनाइज अंडर फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 व्हेनेवर रीशेड्यूल। ठीक है, ये जब भी रीशेड्यूल होगा, जब भी दोबारा इंडिया में होगा, तो यहाँ पर एग्जाम्प्ट रहने वाला है, इसकी जो एंट्री फीस है, जो एडमिशन है, वो यहाँ पर एग्जाम्प्ट रहने वाला है। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बाई एन टू, ठीक है, ये प्रोवाइड कर रहा है फीफा या फिर कोई इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फीफा है ये प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कोई इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, लेकिन जो कमेंटेटर होंगे यहाँ पर, जो कमेंटेटर होंगे
आप कोई मैच देख रहे हैं, कोई फुटबॉल का शो, आप कोई क्रिकेट का शो देख रहे हैं, जो यहाँ पे कमेंटेटर है अपने, जो यहाँ पर कमेंटेटर है, वो बोल रहे हैं कि अब छक्का लग चुका है, अब चौका लग चुका है, प्लेयर आउट हो चुका है, वो बैठे बैठे बोलते रहते हैं ना, तो यहाँ पर टैक्सेबल है। यहाँ पर ऐसे एग्जाम में पूछता है, ये ऐसे एग्जाम में पूछता है कि टैक्सेबल होगा हमेशा, ठीक है, जो कमेंटेटर है ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है। देन ये भी कंप्लीट होता हमारा, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सर्विस के ऊपर, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। सो प्योर लेवल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बेनिफिशियरी लेट इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन अंडर द हाउसिंग फॉर द ऑल अर्बन मिशन या प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, ये चलाई हुई योजना हमारे प्रधानमंत्री ने, हर पर्सन को घर मिलेगा, ठीक है, ये घर बनाते हैं, बाहर लिखते हैं कि हमने घर बनाया है एज पर द प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ठीक है, जो यहाँ पर उस घर को बना रहे हैं, जो मजदूर वर्क कर रहे हैं, जो लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मिस्त्री वगैरह इसको बना रहे हैं, तो उनकी सर्विस यहाँ पर एग्जम्प्ट है, इनका कंस्ट्रक्शन सर्विस यहाँ पर एग्जम्प्ट है। देन प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट एज नोट ए पार्ट ऑफ द रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इज एग्जम्प्ट, ठीक है, देखिएगा ये बिल्डिंग है, यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट हैं, ये बिल्डिंग है, यहाँ पर बहुत सारे फ्लैट हैं, एक आपका फ्लैट है, अगर आप इसकी रिपेयर करवा रहे हैं, अगर आप इसकी रिपेयर करवा रहे हैं, इसकी आप मेंटेनेंस करवा रहे हैं, देन इस पर जीएसटी आएगा, टैक्सेबल होगा, ठीक है, अब इस पर जीएसटी आएगा, ये टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपका खुद का कोई घर है पड़ा, ठीक है, आपका घर है, आप इसका रिपेयर करवा रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जम्प्ट है, ठीक है, देखिएगा प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, अगर आपका खुद का एक घर है, आप इसकी रिपेयर करवा रहे हैं, तो एग्जम्प्ट है। लेकिन कोई एक हमारा यहाँ पर रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है, कोई बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, अगर आप फ्लैट्स की रिपेयरिंग करवा रहे हैं किसी एक फ्लैट की आपकी, तो टैक्सेबल होगा यहाँ पर, ठीक है, ये एग्जम्प्ट है यहाँ पर, ये यहाँ पर एग्जम्प्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है, आई समझ में आपको, जी सर। देन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय द कंस्ट्रक्शन इरेक्शन कमीशनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर फॉर द एग्रीकल्चर, देखिएगा इसके अंदर आप क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लगाए जाते हैं ना, इस पर जो बिजली होती है वो ट्रेवल करती है इसके थ्रू, ठीक है, ये हम लगा रहे हैं, इसको हम लेके जा रहे हैं किसी गांव के अंदर, ठीक है, इसको हम जो हम लेके जा रहे हैं बिजली को, हम लेके जा रहे हैं गांव के अंदर, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे किसान हैं वो उसको यूज करेंगे, जो ट्यूबवेल होता है उनका, देखिएगा जो उनका ट्यूबवेल होता है, वो खेतों में पानी लगाएंगे इस बिजली का यूज करके, अगर हम खंभे इस वजह से लगा रहे हैं कि इसका यूज करके जो खेत वाले किसान हैं वो ट्यूबवेल लगाएंगे, वो पानी देंगे, तो एग्जम्प्ट है, इसको बनाने की जो सर्विस है, इस खंभों को बनाने की सर्विस है, वो यहाँ पर एग्जम्प्ट है, वो यहाँ पर एग्जम्प्ट है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका इरेक्शन, इसका कमीशनिंग सब कुछ यहाँ पर एग्जम्प्ट है इस खंभों की। देन 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 आगे कुछ है, देखें हम, देन सप्लाई ऑफ द TDR, FSI या फिर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ द लैंड बाय द ओनर टू ए डेवलपर इज एग्जम्प्ट, ठीक है, हमने क्या देखा था आरसीएम के अंदर, एक पर्सन है, मेरे पास लैंड पड़ी हुई है, लैंड बिल्कुल बंजर जमीन है, एक मेरे पास प्रमोटर आया, मेरे पास एक प्रमोटर आया, ठीक है, मुझको बोल रहा है कि आपकी जो लैंड पड़ी है मुझको दीजिएगा, इसमें बिल्डिंग बनाऊंगा, मैं आपको कुछ अमाउंट दूंगा और साथ में आपको कोई फ्लैट दूंगा पर रहने के लिए, तो मैं बोला बिल्कुल ठीक है। इन डेट केस क्या होता है, जो प्रमोटर होता है, जो बिल्डर होता है, वो टैक्स पे करता है अंडर आरसीएम, ठीक है, लेकिन ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे टैक्स पे नहीं करना होगा किसी को भी, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, कब, ओनली इफ द फ्लैट्स आर सोल्ड बिफोर इश्यूएंस ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसने फ्लैट बनाए इसका भी सर्टिफिकेट नहीं आया गवर्नमेंट से, अभी इसका सर्टिफिकेट नहीं आया गवर्नमेंट से और पहले सेल कर दिए, तो इस पर जीएसटी नहीं आने वाला, नोट एग्जम्प्टेड इफ सोल्ड आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, टैक्स रेट इज 5%, अदरवाइज टैक्सेबल होगा, इस पर जीएसटी आएगा 5% की रेट्स। देन अपफ्रंट अमाउंट पेबल फॉर द लॉन्ग टर्म लीज फॉर मोर देन 30 years ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट्स या फिर प्लॉट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रा, ओके, देन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अंडरटेकिंग्स या फिर अनदर हैविंग द मोर देन 20%
ओनरशिप ऑफ द सीजी एचजी और यूटी टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ठीक है, सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट कोई लैंड पड़ी हुई है, गवर्नमेंट को दे रही है किसी कंपनी को लीज पर के। जैसे कोई एग्जांपल लीजिए, कोई पार्ले जी कंपनी है, पार्ले जी बिस्कुट बनाती है, तो क्या कर रही है, वो लैंड ले रही है गवर्नमेंट से लीज पे कि वहां पे वो अपना प्लांट लगाएगी और प्रोडक्शन करेगी, तो वो अमाउंट पे कर रही है एज ए अपफ्रंट। ठीक है, वो अपफ्रंट अमाउंट पे कर रही है कोई भी, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगा। बाद में वो रेंट पे करेंगे, उस रेंट पे जीएसटी आएगा, लेकिन वो अपफ्रंट गवर्नमेंट ने बोला कि आप हमें 50 लाख दे दीजिए, हमें आप 50 लाख पे कर दीजिए एक बार। ठीक है, जो अमाउंट उन्होंने तुरंत पे कर दिया अपफ्रंट, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। बाद में जो मंथली रेंट पे कर रहे हैं, ईयरली रेंट पे कर रहे हैं, उस पर जीएसटी आने वाला है। ठीक है, इसको दे रहे हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दे रहे हैं, किसी कंपनी को दे रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट दे रहे हैं या फिर कोई भी प्लॉट फॉर डेवलपमेंट फॉर द इंफ्रा दे रहे हैं यहाँ पर, कि कोई किसी को दे रहे हैं कि मतलब बिल्डिंग वगैरह नहीं, उसको दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो अपफ्रंट अमाउंट है यहाँ पर वो एग्जम्प्ट रहने वाली है, उस पर जीएसटी नहीं आएगा, फ्री में नहीं देंगे, पैसे चार्ज करेंगे, उस पर जीएसटी नहीं आएगा। देन रेंटिंग ऑफ द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज एज द रेजिडेंस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, तो एग्जम्प्ट होगा। कोई घर दे रहे हैं रेंट पे रहने के लिए किसी पर्सन को, तो एग्जम्प्ट होगा। इसको एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहां पर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ऑफ रेजिडेंटल रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। ठीक है, इसमें दो केस आएंगे, पहले पहला केस का आएगा फॉर रेजिडेंस पर्पस, फॉर रेजिडेंस पर्पस, या फिर होगा फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, अगर बिजनेस पर्पस होगा तो चाहे लेने वाला वो रजिस्टर है, चाहे लेने वाला रजिस्टर है, चाहे वो अनरजिस्टर है, ये टैक्सेबल होगा, यहां पर जीएसटी आएगा। ठीक है, ऐसा होता नहीं है कि कोई घर वगैरह होते हैं जो सीए होते हैं उसको रेंट पर ले लेते हैं, तो सीए के ऑफिस खाली दुकानों में नहीं बनते हैं, सीए के ऑफिस घर में बनते हैं। तो अगर आप उस घर को आप रेंट पर ले रहे हैं फॉर बिजनेस पर्पज, कि आपने वहां पर सीए का ऑफिस खोलना है, तो टैक्सेबल होगा, वहां पर जीएसटी आएगा, चाहे लेने वाला रजिस्टर है, चाहे लेने वाला अनरजिस्टर है। लेकिन कोई घर है उसको आप रेंट पर ले रहे हैं फॉर रेजिडेंशियल पर्पज, आप रहने के लिए ले रहे हैं, उसमें दो केस आएंगे, या तो पर्सन होगा यहां पर रजिस्टर, या पर्सन यहां पर होगा अनरजिस्टर। ठीक है, जो अनरजिस्टर पर्सन है ये यहां पर एग्जम्प्ट है। ठीक है, जो पर्सन रजिस्टर होगा इसमें दो केस बनेंगे। ठीक है, एक बनेगा फॉर बिजनेस पर्पस एंड एक बनेगा यहां पर फॉर पर्सनल पर्पस, लाइक प्रोप्राइटर। प्राइटर अपने पर्सनल यूज के घर के लिए रेंट पे ले रहा है, अपने खुद का रहने के लिए ले रहा है। ठीक है, अगर वो यूज करें फॉर बिजनेस पर्पस तो यहां पर टैक्सेबल होगा, लेकिन वो पर्सनल के लिए ले रहे हैं, खुद के रहने के लिए ले रहे हैं, तो यहां पर एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, ये चार्ट आपने बना लेना है, इसकी आप फोटो निकाल सकते हैं। चले आगे, चलिए ठीक है जी। सो रेंटिंग ऑफ द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज ऑफ द रेजिडेंट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, घर दे रहे हैं किराए पे किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, वो रहने के लिए ले रहा है, अपने बिजनेस के लिए नहीं ले रहा है, तो यहां पर एग्जम्प्ट है। ठीक है, अगर बिजनेस के लिए ले रहे हैं तो टैक्सेबल होगा, पर्सन अगर अनरजिस्टर्ड है तो एग्जम्प्ट है। ठीक है, पर्सन अगर रजिस्टर है वो ले रहा है अपने खुद के रहने के लिए तो एग्जम्प्ट है, लेकिन ले रहा है अपने बिजनेस के लिए तो टैक्सेबल है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, चले आगे चलिएगा। ठीक है, तो यहां पर एंड होता है, हम आगे चलते हैं इसके अंदर, इसमें आगे देखिएगा। देन अदर्स, इसमें क्या होगा देखिएगा, कलेक्टिंग या फिर प्रोवाइडिंग द न्यूज बाय द इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। ठीक है, कोई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया है, कोई जर्नलिस्ट है, न्यूज को कलेक्ट कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या है यहां पर एग्जाम्प्ट है। देन पब्लिक लाइब्रेरी
बाय द एक्सटेंड बाय द लैंडिंग ऑफ द बुक्स, कोई गवर्नमेंट लाइब्रेरी है यहाँ पर बुक्स को दे रही है उस पर जीएसटी नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, पब्लिकेशन के ऊपर। द ट्रांसफर ऑफ ए गोइंग कंसर्न एज ए होल और द इंडिपेंडेंट पार्ट, जो आपका बिजनेस है उसको आपने किसी और को सेल कर दिया है, आपका चलता हुआ बिजनेस आपने किसी और को सेल कर दिया उस पर जीएसटी नहीं आएगा। आपने किसी अमाउंट चार्ज करी उससे आपने अपने बिजनेस को सेल कर दिया है तो उस पर जीएसटी यहाँ पर नहीं आएगा, वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट रहने वाला है, वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट रहने वाला है। देन पब्लिक कन्वेंसेस सच एज बाथरूम होगा, वॉशरूम होगा, टॉयलेट होगा, तो इन सर्विस यहाँ पर एग्जेम्प्ट है यहाँ पर, ठीक है। सर्विस बाय द फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, लाइक फॉरेन की एम्बेसी इंडिया में है, कोई कॉन्सुलेट है, कोई दूतावास है, तो यहाँ पे सब कुछ क्या है यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, लाइक पासपोर्ट होगा, कोई डिप्लोमेटिक मिशन होगा कोई यहाँ पर, तो सारी सर्विस इनकी क्या है यहाँ पर, यहाँ पर एग्जेम्प्ट है। कोई अप्रूवल ले रहे हैं आप, कुछ भी करा रहे हैं इनसे आप, कोई वीजा लगवा रहे हैं, कोई पासपोर्ट ले रहे हैं इनके थ्रू, सब कुछ यहाँ पर एग्जेम्प्ट है। लोकेटेड इन इंडिया, इस पर एमसीक्यू पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई, ठीक है, अगर आप आरटीआई लगा रहे हैं अपने, जैसे आपने सी का एग्जाम दिए, अपने आप आरटीआई लगा करके अपने एग्जाम पेपर निकलवा रहे हैं आईसीआई से, तो उस पर जीएसटी नहीं आता होता, जो आप अमाउंट पे कर रहे हैं, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर जीएसटी नहीं आता होता यहाँ पर, सिंपल है। चलिए देन सर्विस बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसडीसी या एसएससी होगा, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं, एसएससी के होते हैं, एनएसडीसी के होते हैं, या असेसमेंट एजेंसी है, कोई ट्रेनिंग पार्टनर है, अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर वोकेशनल डेवलपमेंट कोर्स, इन दैट केस एग्जाम देने वाला है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़िएगा छोड़ दीजिए। देन असेसमेंट अंडर द स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स इज एग्जाम्प्ट। देन सर्विसेज बाय द ट्रेनिंग प्रोवाइडेड अंडर द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना एग्जाम्प्ट। देन सर्विस बाय द इनक्यूबेटी, ये क्या होते हैं बताता हूं आपको मैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा, टू टर्न ओवर 50 लाख इन फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्ट टू द बिलो कंडीशन, ठीक है, टर्न ओवर नोट एक्सीड दैट 50 लाख ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिनका टर्न ओवर 50 लाख से कम है, ठीक है, एंड 3 years इज नोट इलेप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्रिंग एज ए इनक्यूबिटी, अब इसको 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है, तो मीनिंग क्या होता है इनक्यूबिटी का, इसको हम देख लेते हैं एक बार, मीनिंग क्या होता है इनक्यूबिटी का, इसको हम देख लेते हैं एक बार, देखिएगा, इनक्यूबिटी मीन्स एक ऐसा एंटरप्रेन्योर लोकेटेड है विद इन द प्रिमाइस ऑफ ए टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, ठीक है, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क होगा, इसको हम एसटीपी बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल साइंस होगा, या फिर होगा टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड NSTEDB ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हु हैज द एंट्री इनटू एन एग्रीमेंट विद द TBI STEP टू अनेबल हिमसेल्फ टू डेवलप एंड प्रोड्यूस द हाईटेक एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट, ठीक है, ये इनके अंडर वर्क कर रहे हैं, ये एंटरप्रेन्योर है, ये इनके अंडर वर्क कर रहे हैं कि वो डेवलप करेंगे कोई भी हाईटेक प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, ठीक है, अगर इनका जो टर्नओवर है वो 50 लाख से कम है, ठीक है, और अभी इनको 3 साल नहीं हुए हैं, इनको अभी 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ, अभी इनको 3 साल नहीं हुए हैं, तो 3 साल तक इनकी सर्विस यहां पर एग्जम्प्ट है, ठीक है, तो 3 साल तक यहां पर इनकी सर्विस एग्जम्प्ट है, पहले 3 साल 50 लाख टर्नओवर इनका इससे कम है, अगर उनके यहां पर लगा लीजिए 1 साल हुआ है लेकिन टर्नओवर यहां पर हो चुका है 60 लाख तो टैक्सेबल होगा, ये दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए, उनका टर्नओवर 50 लाख से कम है इस साल का एंड उन्होंने भी यहां पर 3 साल नहीं हुए हैं, उन्हें यहां पर अभी 3 साल नहीं हुए हैं, ठीक है, 50 लाख से कम इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अभी उनको 3 साल नहीं हुए हैं, इन दैट केस यहां पर एग्जाम्प्ट है, ये आपने ध्यान में रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके ओके। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द नॉन बिजनेस एंटिटी, सॉरी नॉन प्रॉफिट एंटिटी, इन दैट केस क्या होगा, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द वेलफेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर लेबर फार्मर्स होगा, कोई एनपीओ वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, या फिर प्रमोशन ऑफ द ट्रेड होगा, इंडस्ट्री होगा, एग्रीकल्चर होगा, आर्ट होगा, साइंस होगा, लिटरेचर होगा, कल्चर होगा, स्पोर्ट्स होगा, एजुकेशन होगा, सोशल वेलफेयर, चैरिटेबल एक्टिविटीज, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एंड इट्स ओन मेंबर, अगेन द मेंबरशिप फीस अप टू द 1000 पर मेंबर इज एग्जाम, इससे ज्यादा लेंगे वो तो टैक्सेबल हो जाएगा,
ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि जैसे एग्रीकल्चर वाली है, एग्रीकल्चर वालों ने क्या, बहुत से लोगों ने करा, अपनी एक बना ली एनपीओ, सबने मिलकर अपनी एनपीओ बना ली, सारे मेंबर बन चुके हैं, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या करती है, जो मेंबर है उनको प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, जो मेंबरशिप की फीस है वो अप टू 1,900 क्या होगा यहाँ पर, वो यहाँ पर क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। मेंबर से फीस चार्ज करे 1,000 रुपीज, वो यहाँ पर एग्जम्प्ट होगा। अगर इसे फालतू ले रही है 1,001 ले रही है, इसे फालतू ले रही है, तो यहाँ पर ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन सर्विस बाय द, देखिएगा दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, मैंने पहले मार्क किया हुआ है सर आपके बुक के अंदर, ठीक है, मैंने पहले से आपके बुक में मार्क किया हुआ है यहाँ पर, देखिएगा, सर्विसेज बाय ए नॉन प्रॉफिट एंटिटी टू इट्स ओन मेंबर्स बाय वे ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस और शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, लाइक ट्रेड यूनियन होगा, एक एनपीओ है, देखिएगा, ठीक है, सर्विस बाय द नॉन प्रॉफिट एंटिटी टू इट्स ओन मेंबर्स बाय वे ऑफ रिम्बर्समेंट ऑफ द चार्जेस और द शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, लाइक एक बनी यहां पर ट्रेड यूनियन, इन सभी ने मिलकर बनाई यहां पर एक ट्रेड यूनियन, ठीक है, ये यूनियन है, कोई काम कर रही है, तो सारा एक्सपेंस भी होगा, एक्सपेंस को मीट करेगा, जो सारे मेंबर है वो अपना अपना हिस्सा देंगे, वो अपना अपना हिस्सा देंगे, तो इससे भी जीएसटी नहीं आएगा, वो यहां पर एग्जम्प्ट है, वो यहां पर इससे भी जीएसटी नहीं आएगा, यहां पर एग्जम्प्ट है, फॉर कैरिंग आउट द एग्जम्प्ट एक्टिविटीज, इसलिए हिस्सा चार्ज कर रहे हैं तो भी एग्जम्प्ट है, या फिर अप टू द 7,500 पर मंथ पर मेंबर फॉर सोर्सिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ए थर्ड पर्सन फॉर द कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर्स इन ए हाउसिंग सोसाइटी। देखिएगा हम किनकी बात कर रहे हैं, हम बात करें यहां पर एग्जाम्पल लीजिएगा आप गोकुल धाम सोसाइटी, गोकुल धाम सोसाइटी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इनकी बात कर रहे हैं, जो सोसाइटी है, जैसे यहां पर जो रोड है वो फर्श है वो खराब हो गया, जो फर्श है यहां पर खराब हो गया, इसको रिपेयर करवा रहे हैं, इसको रिपेयर करवा रहे हैं, सोसाइटी वाले हैं उसको रिपेयर करवा रहे हैं, ठीक है, तो अमाउंट चार्ज कर रहे हैं इसके मेंबर से, या इसे चार्ज कर रहे हैं, जो बाकी होंगे जो सोडी है उसे चार्ज कर रहे हैं, सबसे अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, जो अमाउंट चार्ज कर रहे हैं वो है यहाँ पर अप टू 7,500 है पर मंथ है, पर मेंबर है, फॉर सोर्सिंग द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम ए थर्ड पर्सन फॉर द कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर, सोसाइटी में रिपेयर करवाना है कुछ भी करवाना है उसके लिए अमाउंट चार्ज कर रहे हैं इनसे, ठीक है, जो अप टू 7,500 पर मंथ पर मेंबर है तो एग्जम्प्ट है, ठीक है। जो स्टैचुरी ड्यूज होंगे लाइक प्रॉपर्टी टैक्स होगा, कोई एक्टिविटी टैक्स होगा, इसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई अमाउंट चार्ज कर रहे हैं 7,500 तक की, वो एग्जम्प्ट है, वुड बी एक्सक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग द अफोरसेड मंथली लिमिट ऑफ 7,500, ठीक है, इससे फालतू होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। हम बात इसी कर रहे हैं, जैसे जो जेठा है वो खुद का फ्लैट रिपेयर करवा रहा है वो तो टैक्सेबल है ही है, जो जेठा है वो खुद का फ्लैट रिपेयर करवा रहा है वो टैक्सेबल है। हम बात करें कि पूरी सोसाइटी का कॉमन एक्सपेंस हो रहा है, पूरी सोसाइटी का कॉमन एक्सपेंस हो रहा है, उसके वजह से अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, अप टू 7,500 पर मेंबर इज एग्जम्प्ट। ओके, देन इसमें फर्दर आता है, लेकिन जो अमाउंट वो एक्सीड करते 7,500 देन जीएसटी पेबल ऑन द एंटायर अमाउंट, तो जीएसटी पूरी अमाउंट पे आएगा यहां पर, ठीक है। द सीलिंग लिमिट इज 7,500 टू बी चेक्ड सेपरेटली फॉर द ईच रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, ठीक है। जो जेठालाल है उसके पास दो फ्लैट है, उसके पास दो फ्लैट है, ठीक है, क्या इसने 7,500 यहां पे कर दिया इसका, तो इसके लिए पे कर रहा है तो उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा यहां पर, नहीं, 75 इसका पे कर रहा है, 75 इसके नाम का पे कर रहा है, तो उसको डबल लिमिट मिलेगी यहां पर, उसको यहां पर डबल लिमिट मिलेगी, उसकी लग मिलेगी। तो हम चेक करेंगे सेपरेटली फॉर रेजिडेंटल अपार्टमेंट वाइज, जितने आपके पास फ्लैट है उसके अकॉर्डिंग चेक करने वाले यहां पर। देन जो RW है, जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, ठीक है, जो हम बात करें जो सोसाइटी है यहां पर उसकी बात कर रहे हैं, रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन ओनली इफ इट्स एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 20 लाख या फिर 10 लाख, देन उनको रजिस्टर होना पड़ेगा, मीन इसको मिल जाएगा यहां पर थ्रेशोल्ड, इनको मिल जाएगा यहां पर थ्रेशोल्ड का बेनिफिट, ठीक है। देन व्हाट मींस इवन इफ मंथली अमाउंट इज मोर देन 7,500 बट टर्नओवर थ्रेशोल्ड इज नॉट क्रॉस, नो जीएसटी पेबल, ठीक है। ये अमाउंट चार्ज करे अपने मेंबर से, ये अमाउंट चार्ज करे 7,500 फ्रॉम जेठालाल, 7,600 चार्ज कर रहे हैं,
उस पर जीएसटी आना चाहिए, लेकिन जो सोसाइटी है उसका जो टर्नओवर है वो लेस देन 20 लाख या 10 लाख है, जो सोसाइटी का टर्नओवर लेस देन 20 लाख और 10 लाख है तो क्या है, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा, वो जीएसटी में रजिस्टर ही नहीं है, तो जीएसटी पे करेंगे सर यहाँ पर, ठीक है, देन नो जीएसटी। एंड जो आरडब्ल्यू है, सोसाइटी है, वुड बी एंटाइटल्ड टू टेक द आईटीसी ऑफ द जीएसटी पे, ठीक है, अगर जीएसटी पे भी कर रहे हैं तो इनको आगे आईटीसी मिल जाता है यहाँ पर, ओके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अप टू 7500 क्या है पर एग्जम्प्ट है, इससे फालतू टैक्सेबल होगा। अगर सोसाइटी है वो रजिस्टर ही नहीं है, जो सोसाइटी है वो रजिस्टर ही नहीं है, डेट के यहाँ पर एग्जम्प्ट हो जाएगा, यहाँ पर पूरी अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगी, इससे फालतू भी होगा तो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, ओके। देन सर्विस बाय द ऑर्गेनाइजर टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द जीएसटी, ठीक है, हमारी कंट्री में कोई ऑर्गेनाइजर उसका वो जो एग्जीबिशन हो रहा है हमारे इंडिया से बाहर हो रहा है, वो किसी फॉरेन की कंट्री में हो रहा है, ठीक है, जो उसको ऑर्गेनाइज करने वाला है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है, जो एग्जीबिशन हो रहा है वो इंडिया से बाहर हो रहा है, इन दैट केस क्या है, वो एग्जम्प्ट है, इसकी सर्विसेज जो है जो वो यहाँ पर एग्जम्प्ट है, ठीक है, सिंपल सा इसको छोड़ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट देन इसको हमने रीड कर लिया सारा कुछ, सर कुछ कि क्या इसमें टैक्सेबल होगा क्या टैक्सेबल नहीं होगा, आगे देखिएगा इसके अंदर अंडर आईजीएसटी कौन कौन से एग्जेंप्शन गए हमारे को यहाँ पर, ठीक है, इसमें देखिएगा, सो सर्विसेज बाय टूर ऑपरेटर टू ए फॉरेन टूरिस्ट इन रिलेशन टू द टूर कंडक्टेड, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया पहले, ठीक है, एक टूरिस्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है ओनली आउटसाइड इंडिया, ठीक है, जो टूर ऑपरेटर है वो हमारे इंडिया का है, वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज टू ए फॉरेन टूरिस्ट इन आउटसाइड इंडिया इज एग्जम्प्ट, या प्रोवाइड कर रहा है वो पार्शली इन इंडिया है एंड पार्शली आउटसाइड इंडिया है, इन दैट केस क्या होगा, देन टू द एक्सटेंड ऑफ द वैल्यू ऑफ टूर परफॉर्म आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल होगा, इसको हम निकालेंगे कैसे देखिएगा, लेकिन द एग्जम्प्शन विल बी द प्रोपोर्शनेट द वैल्यू ऑफ द टूर ऑपरेटेड आउटसाइड इंडिया इन डेज, इसको हम डेज में निकालेंगे कि कितना हिस्सा बनता है जो हमारे इंडिया से बाहर हुआ है, या फिर 50% ऑफ द वैल्यू चार्ज विच एवर इज लेस इज एग्जम्प्ट, ठीक है, जो ड्यूरेशन होगी मोर देन 12 आवर्स होगी वो कहीं पर रहा होगा उसको मानेंगे एज ए वन डे, एज ए वन डे, ठीक है, जो अमाउंट का 50% होगा या फिर वो जितनी अमाउंट चार्ज करिए उसको हम निकालेंगे डे वाइज कि कितने दिन वो इंडिया में रहा कितने दिन वो बाहर रहा उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे विच एवर इज लेस इज एग्जम्प्ट, विच एवर इज लेस इज एग्जम्प्ट, अगर पूरा इंडिया से बाहर है तो एग्जम्प्ट है, अगर पूरा इंडिया से बाहर है तो एग्जम्प्ट है, पार्शली इन इंडिया है एंड पार्शली इन आउटसाइड इंडिया है तो उसको हम निकालेंगे डे वाइज कि इंडिया में कितना रहा और बाहर कितना रहा, हम ये वैल्यू निकालेंगे, या फिर उसका 50% होगा विच एवर इज लेस इज एग्जम्प्ट, ठीक है, एग्जाम्पल लीजिएगा, एक टूर ऑपरेटर है वो प्रोवाइड कर रहा है टूर ऑपरेटर सर्विसेज टू ए फॉरेन टूरिस्ट, ओके, 3 डेज इन इंडिया रहा एंड 2 डेज इन नेपाल रहा वो, ठीक है, अमाउंट चार्ज की गई उसे यहां पर 1 लाख रुपीज, ठीक है, तो कितना एग्जेंप्शन मिलेगा, 1 लाख का 2/5, ये फॉरेन में कितना टाइम रहा, नेपाल में कितना रहा वहां पे वो 2 दिन रहा, तो 2/5 करेंगे कितना आता है यहां पर 40,000 या फिर 50% ऑफ 1 लाख विच एवरेज लेस मीन 40,000 यहां पर एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, जो 60,000 होगा टैक्सेबल होगा यहां पर 40,000 यहां पर एग्जम्प्ट रहेगा, जो 60,000 होगा यहां पर वो टैक्सेबल रहेगा यहां पर, दिस इज एग्जाम्पल, ठीक है, हम निकालेंगे डे वाइज कि कितना वहां का निकलता है फॉरेन कंट्री का वो अमाउंट निकाल लेंगे और यह 50% होगा विच एवरेज लेस यहां पर एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर वो रहा मोर देन 12 आवर्स किसी कंट्री में रहा हो उसको मानेंगे एज ए वन डे, एज ए वन डे, ओके, सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछा भी गया है और इंपॉर्टेंट भी है, इसको तो आपने ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखिएगा चलेगा थोड़ा रह चुका है, इसको हम कंप्लीट करते हैं अभी फटाफट से, याद कीजिएगा सर्विसेज बाय एनी पर्सन लोकेटेड इन
टैक्सेबल टेरिटरी, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मींस फॉरेन, मींस फॉरेन से प्रोवाइड करे हुए पर्सन सर्विसेज इन इंडिया टू एनी पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन द एनटीओआर। यहां मीनिंग क्या है एनटीओआर का, यहां पे मीनिंग क्या है एनटीओआर का, यहां पे एनटीओआर का मीनिंग है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, ठीक है। लाइक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा या कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, ठीक है, कोई इंडिविजुअल होगा। इन डेट केस यहां पर आरसीएम नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां पर एफसीएम आएगा, ठीक है। या फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा ऑफ गुड्स बाय द वेसल फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया टू द कस्टम स्टेशन इन इंडिया बाय एनी पर्सन इन टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, फॉरेन से कर रहा है, हमारे इंडिया में कर रहा है, जो इंपोर्टर है वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल नया नहीं है आपके लिए, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं आरसीएम के अंदर, ठीक है। हम बात करें कि यहाँ पे एग्जाम्पल क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, देखिएगा सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो बैठा है फॉरन के अंदर वो प्रोवाइड करे सर्विसेज इन इंडिया, ओके। देन कोई सीजी ले रही है, कोई एचजी ले रहा है, कोई यूटी ले रहा है, कोई एलए ले रहा है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ले रही है, कोई इंडिविजुअल ले रहा है, इन डेट के से क्या है यहां पर ये एग्जम्प्ट है, ठीक है। कोई एंटिटी ले रही है तो रजिस्टर्ड नंबर 12 ए एंड ए बी है, कोई ट्रस्ट है तो एग्जम्प्ट है, ठीक है। या फिर बाय वे ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल पेरियोडिकल टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ डिग्री एज पर द करिकुलम, लाइक कोई कॉलेज होगा वो ले रहे हैं यहां पर, फॉरेन से ले रहे हैं सर्विस चीज की, तो यहां पर एग्जम्प्ट है। या फिर बाय ए पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है, एक पर्सन इंडिया के बाहर बैठा हुआ है और ये पर्सन बैठा हुआ है इंडिया के बाहर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है चाइना के अंदर, ये बैठा हुआ है अमेरिका के अंदर, ठीक है, ये प्रोवाइड कर सर्विस इसको प्रोवाइड कर रहा है, दोनों पर्सन ही इंडिया के बाहर के, एक चाइना का एक अमेरिका का है, ये आपस में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो एग्जम्प्ट होगा, इस पर जीएसटी कैसे आ जाएगा, इस पर जीएसटी की बात ही नहीं बनती है, तो चारों चारों यहां पर क्या है एग्जम्प्ट है यहां पर, ठीक है। लेकिन जो सर्विसेज होगी हमारी ओईडीआर की, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटा एक्सेस एंड रिट्रीवल, ठीक है, रिसीव्ड बाय द ए और बी मींस टैक्सेबल, अगर ये रिसीव कर रहे हैं इन दैट केस यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बाय वेसल फ्रॉम ए प्लेस आउट इन इंडिया टू द कस्टम क्लियरेंस इन इंडिया, ठीक है, ये भी टैक्सेबल होगा। जैसे मैंने देखा ना ये वाला, कि कोई पर्सन ट्रांसपोर्ट कर रहा है गुड्स को वेसल में लेके आ रहा है इंडिया के अंदर, जो इंपोर्टर है वो टैक्स पे करता है अंडर आरसीएम, ठीक है। बाकी आपको मैं और क्लैरिटी देता हूं उसके अंदर, एक बार देखिएगा, यहां देखिएगा हमने कवर किया इसको अंडर आरसीएम के अंदर, देखिएगा कोई आर्किटेक्ट है वो प्रोवाइड कर सर्विस यहां पर ऑफ आर्किटेक्ट की, ठीक है, किसको प्रोवाइड कर रहा है, शिवम नागपा का इसको प्रोवाइड कर रहा है, जो एक बिजनेस एंटिटी है, यस इट्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, टैक्स पे कौन करेगा, जो शिवम नागपा का वो टैक्स पे करेंगे अंडर आरसीएम, ठीक है, ओके। कोई आर्किटेक्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज ऑफ आर्किटेक्चर टू मिस्टर ए और पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, मीन्स इंडिविजुअल है, ये क्या है यहां पर, ये यहां पर एग्जम्प्ट है, ये यहां पर एग्जम्प्ट है, मैं देखा ना यहां पर कोई इंडिविजुअल होगा, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी होगी, तो यहां पर एग्जम्प्ट है, जो बिजनेस एंटिटी है वो टैक्सेबल है, ठीक है, कोई गवर्नमेंट है, कोई इंडिविजुअल है, वो यहां पर एग्जम्प्ट है, ठीक है, कोई एंटिटी है स्टैंडर्ड 12 ए ए बी है, या फिर कोई कॉलेज ले रहा है यहां पर पीओडी जनरल की, ये एग्जम्प्ट है, या फिर कोई बाहर की बाहर सप्लाई हो रही है, सेल हो रही है, तो यहां पर एग्जम्प्ट है, ठीक है। देन नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स है जो प्रोवाइड कर रहा है ओई डायरेक्ट सर्विसेज, ठीक है, मिस्टर ए ले रहा है फॉर पर्सनल पर्पज के लिए, टैक्सेबल होगा, यस होगा, अंडर एफसीएम होगा, ठीक है, जो नेटफ्लिक्स है वो टैक्स पे करेगा अंडर एफसीएम, जो ओईडीआर है और जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेसल फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया, ये दोनों टैक्सेबल हैं सर, ये दोनों टैक्सेबल हैं, ठीक है, इसको प्रोवाइड कर रहे हैं टू दिस पर्सन को,
ठीक है, तो क्या होगा ये टैक्सेबल होगा अंडर एफसीएम, जो नेटफ्लिक्स है वो टैक्स पे करेगा, लेकिन प्रोवाइड करेंगे किसी बिजनेस एंटिटी को इन डेट केस, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आरसीएम आएगा, इन डेट केस यहां पर आरसीएम आएगा। देखिएगा, जो नेटफ्लिक्स है प्रोवाइड करें सर्विस ओडीआर की टू रिलायंस लिमिटेड को, यस टैक्सेबल अंडर द आरसीएम, ये आरसीएम टैक्सेबल हो जाएगा यहां पर। ठीक है, प्रोवाइड करें एनी पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटरी अदर देन एनटीओआर, एनटीओआर के अलावा तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एनटीओआर केस में क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा अंडर एफसीएम। हम बात करें ओडीआर की, ओडीआर की या कोई बिजनेस एंटिटी में केस में क्या होगा, टैक्सेबल होगा अंडर आरसीएम। ठीक है, कोई अदर सर्विस होगी प्रोवाइड करें एनटीओआर को, इन दैट केस क्या होगा, यहां पर एग्जम्प्ट हो जाएगा, इन दैट केस यहां पर एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइक जो आर्किटेक्चर है वो प्रोवाइड कर रहा है एनटीओआर को, तो यहां पर एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन जो नेटफ्लिक्स है वो प्रोवाइड कर रहा है किसी एनटीओआर को, इन दैट केस क्या होगा, वो इंडेक्स वो हो जाएगा यहां पर एफसीएम टैक्सेबल, जो नेटफ्लिक्स है वो टैक्स पे करेगा, लेकिन जो नेटफ्लिक्स प्रोवाइड कर रहा है किसी बिजनेस एंटिटी को, इंडेक्स क्या होगा, जो बिजनेस एंटिटी है वो टैक्स पे करेगी अंडर आरसीएम के अंदर। जो एनटीओआर के अलावा है, बचा कौन, बचा बिजनेस एंटिटी बची यहां पर। ठीक है, इन दोनों को आपने इसे साथ में रीड करना है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, खाली इसको आप रीडिंग कर लोगे कुछ समझ में आया आपको तो इनफ है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मींस कोई सीजीआईसी यूटीएल ले रहे हैं, कोई न्यूचुअल ले रहा है तो एग्जाम्प्ट है यहाँ पर, कोई बिजनेस एंटिटी ले रही है तो रजिस्टर अंडर 12A एंड ए बी है, ट्रस्ट एग्जाम्प्ट है, कोई जनरल ले रहा है कोई कॉलेज स्कूल तो एग्जाम्प्ट है, या फिर कोई पर्सन बाहर के बाहर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो एग्जाम्प्ट है यहाँ पर। ठीक है, ओडीआर टैक्सेबल है या फिर ट्रांसपोर्टेशन वैसे यहाँ पर है टैक्सेबल है। ठीक है, इसमें आगे देखिएगा, सो सर्विस प्रोवाइडेड बाय द यूनिट या डेवलपर इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फॉर एग्जाम्पल ये क्या होते हैं SEZ, ये क्या होते हैं कि एक गवर्नमेंट प्लेस डिसाइड करती है, यहां पे लगाते हैं प्लांट वगैरह, प्लांट मैं पौधों की बात नहीं कर रहा, यहां लगाते हैं फैक्ट्री वगैरह, तो यहां पे प्रोडक्शन करके हम क्या करते हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, सर्विस इज इंपोर्टेड बाय द यूनिट या फिर डेवलपर, तो सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं ये फॉरन से, तो उनकी सर्विस यहां पर एग्जम्प्ट है। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज बाय द यूएन या फिर स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएस नेशन, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन होगा, कॉन्सुलेट होगा इन इंडिया, इज एग्जम्प्ट। सिंपल सी बात क्या बोल रहे हैं कि जो एम्बेसीज हैं, जो कॉन्सुलेट हैं, जो दूतावास है हमारे इंडिया के अंदर ऑफ फॉरेन कंट्रीज, वो सर्विस को इंपोर्ट करें इंडिया के अंदर, वो सर्विस को इंपोर्ट करें इंडिया के अंदर, इन दैट केस वो एग्जम्प्ट है यहां पर। ठीक है, then services provided by the intermediary when the location of the both the supplier and recipient are the outside India, जो recipient है वो चाइना में है, जो supplier है, जो recipient है वो चाइना में है। ठीक है, जो recipient है वो चाइना में है, जो supplier है वो अमेरिका के अंदर है, लेकिन इनके deal करवाने वाला, इनकी डील करवाने वाला इनका कोई इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी वो हमारा इंडिया में बैठा है। ठीक है, तो इसने कोई अमाउंट चार्ज करी होगी इसके लिए, वो यहां पर एग्जाम्पल उस पर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, देन सर्विस बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पर्सन इन इंडिया टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट पर्सन आउटसाइड इंडिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन इज ए इफ द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको आप देखिएगा। ठीक है, एक पर्सन है, उसकी ब्रांच एक इंडिया के अंदर है, उसके एक ब्रांच इंडिया के अंदर है। ठीक है, उसके एक ब्रांच अमेरिका के अंदर है, उसके एक ब्रांच अमेरिका के अंदर है। ठीक है, सो सर्विस बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सन इन इंडिया टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दैट पर्सन आउटसाइड इंडिया If the place of supply outside India, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये provide कर रहा है service इसको, इसकी यहाँ पे branch है India के अंदर, इसकी एक branch है India से बाहर, ये branch service provide कर रही है इसको यहाँ पे अमेरिका वाली को। ठीक है, कहाँ provide कर रही है, यहाँ provide कर रही है,
इसका प्लेस ऑफ सप्लाई अमेरिका के अंदर है, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं है, यहां प्रोवाइड करे सर्विसेज, इंडिया के यहां पे क्या ही एग्जाम्प्ट है, ठीक है, अगर प्रोवाइड इंडिया के अंदर करेगी तो टैक्सेबल होगा, ये बात प्रोवाइड करिए फॉरेन के अंदर, अमेरिका के अंदर इसको, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पे आता है, इंडिया के यहां पर ही एग्जाम्प्ट है, इसको आपने इतना लर्न रखना है बस यहां पर। देन गवर्नमेंट शेयर ऑफ द प्रॉफिट पेट्रोलियम, ये क्या होता है इसको अगेन समझ लेते हैं फटाफट से एक बार। जैसा कि एक प्लेस है, यहां पे एक पर्सन क्या करेगा, यहां से पेट्रोल निकालेगा, ठीक है, यहां से पेट्रोल निकालेगा, गवर्नमेंट ने इसको लाइसेंस दिया पेट्रोल निकालने का, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं इसको, जब तुम इस पेट्रोल को सेल करोगे तो उस अमाउंट का 70 रुपए का सेल कर रहा है तो उसका 10% हमारा होगा, बाकी आपका होगा, तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा है, जो उसका प्रॉफिट का हिस्सा है वो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है यहां पर, जब तुम पेट्रोल को सेल करोगे तो इसमें से एक हिस्सा हमारा होगा, तो हिस्सा गवर्नमेंट चार्ज करी, इस पे जीएसटी नहीं आएगा, इस पे जीएसटी नहीं आएगा, ठीक है, इस पे जीएसटी नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट का हिस्सा पेट्रोलियम का प्रॉफिट का पार्ट का वो यहाँ पे जीएसटी पे इसमें नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट चार्ज करे इनसे रॉयल्टी, गवर्नमेंट चार्ज करे इनसे रॉयल्टी, उस पर जीएसटी आता है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट चार्ज करे रॉयल्टी, उस पर जीएसटी आएगा, लेकिन गवर्नमेंट से बोल रहे कि जब तुम सेल करोगे अपने पेट्रोल को तो उनका जो प्रॉफिट का हिस्सा होगा उसमें हम एक हिस्सा हम रख लेंगे, तो उस पर जीएसटी नहीं आने वाला, उसको गवर्नमेंट ने यहाँ पर एग्जाम कर दिया है, ठीक है। देन बच्चे उस क्लाइव हम कमेंट कर लेते हैं, देखिएगा, पेमेंट ऑफ द होनोरियम टू ए गेस्ट एंकर्स इज टैक्सेबल सब्जेक्ट टू द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, कोई एंकर आया है, एज ए गेस्ट आया है, उस अमाउंट को हम पे कर रहे हैं, एज ए होनोरियम पे कर रहे हैं, तो यहां पर क्या है, वो टैक्सेबल है। हाँ, उसका जो थ्रेशहोल्ड है वो 10 लाख या 20 लाख क्रॉस होना चाहिए, जो उसका थ्रेशहोल्ड है वो 10 लाख या 20 लाख यहां पर क्रॉस होना चाहिए, तो यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन देखिएगा, टिकट्स परचेज फॉर ए ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेयर द फेरी इज ओनेड बाय द प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर इज एग्जम्प्ट, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इनकी बात कर रहे हैं, यहां पे हमारे क्लैरिफिकेशन आया है एक, देखिएगा, हम इनकी बात कर रहे हैं अब, हम इसकी बात करें, जो स्टेज कैरेज है जो चलता है फ्रॉम ए प्री डिसाइडेड रूट विद द डिसाइडेड स्टॉपेज, चाहे गवर्नमेंट का है चाहे प्राइवेट का है, ये यहां पे एग्जम्प्ट है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, पर क्लैरिफिकेशन आया, चाहे प्राइवेट का है चाहे गवर्नमेंट का ही एग्जम्प्ट है यहां पर, ठीक है। टिकट परचेज फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द वन पॉइंट पॉइंट वेदर फेरीज ओनेड बाय द, चाहे वो गवर्नमेंट का है चाहे वो प्राइवेट का, यहां पर एग्जम्प्ट है, ठीक है, कोई फिक्स रूट पर है, कोई फिक्स रूट पर, तो यहां पर एग्जम्प्ट है। देन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बाय द नॉन एसी कॉन्टैक्ट कैरेज एग्जम्प्ट ओनली इफ द ट्रांसपोर्टेशन टेकन एट द प्री डिटरमाइंड रूट इफ हायर्ड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस देन एग्जम्प्शन इज नॉट अवेलेबल। अब यह क्या बोल रहे हैं, देखिएगा, हमने यहाँ पे क्या बोला था कि ये वाला एग्जम्प्ट है हमारा, ये वाला जो ये वाला ही एग्जम्प्ट है, बट जो सीबीआईसी वो क्या बोल रहा है, जो सीबीआईसी वो क्या बोल रहा है कि ये एग्जम्प्ट कब होगा, जब कोई फिक्स रूट के लिए होगा, ठीक है, आपने कॉन्टैक्ट कर लिया, आपने बस को हायर कर लिया, ठीक है, आपने बोला कि ये हिसार है ये हांसी है, ठीक है, आप बस को यहां पर लेके जाओगे, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, एग्जम्प्ट होगा, कोई फिक्स रूट का होगा। अगर आपने उस बस को यहां पे हायर कर लिया है, ठीक है, आप अपनी मर्जी से कहीं भी लेके जा रहे हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी लेके जा रहे हैं, आज कहीं और लेके जा रहे हैं, कल कहीं और लेके जा रहे हैं, आपने लगा ली 2 मंथ के लिए हायर कर लिया इस बस को, ठीक है, अपनी मर्जी से कहीं भी लेके जा रहे हैं, तो यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको हायर करा है फॉर ए फिक्स रूट हायर करा है कि आप डेली उसको बस को यूज करोगे फॉर हिसार हांसी के लिए एक फिक्स रूट पे, तो ही एग्जम्प्ट है। देखिएगा, वैसे लो में लिखा गया कि अदर पर्पस में यहां पर एग्जम्प्ट होगा, हमारे लो में बात लिखी गई है, लेकिन जो सीबीआईसी ने यहां पर क्लैरिफाई किया है कि अगर कोई फिक्स रूट होगा तो ही एग्जम्प्ट होगा, अगर आप उसको हायर कर रहे हैं, उसको आप यूज कर रहे हैं अपनी मर्जी अकॉर्डिंग,
ठीक है, आज कहीं और लेके जा रहे हैं, कल कहीं और लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, लोग क्या बोलते हैं कि एग्जम्प्ट होगा, लेकिन सीबीआई ने क्लैरिफाई किया कि खाली यहाँ एग्जम्प्ट होगा, यहाँ टैक्सेबल होगा। ठीक है, आपको मानना है तो मानो, अगर नहीं मानना तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि लॉ नहीं है ये खाली क्लैरिफिकेशन है, दिस इज नॉट द लॉ। लोग क्या बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि एग्जम्प्ट है। ठीक है, एग्जाम में आपने करना है, एग्जाम में आपने ये लिख के आना है, तो सीबीएसई ने क्लैरिफाई किया है यहाँ। ओके ठीक है, देन देन जीएसटी ऑन द सैनिटेशन या कंजर्वेंसी ऑफ द सर्विसेज सप्लाई टू द आर्मी या फिर अदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इफ नॉट रिलेटेड टू द 243W या फिर 243G मींस म्युनिसिपैलिटी या फिर पंचायत, इसके अलावा कोई सर्विस होगी तो यहां पर क्या होगी, वो टैक्सेबल होगी, एग्जम्प्ट नहीं होगी। ठीक है, जीएसटी ऑन द सैनिटेशन मींस कोई सफाई सर्विसेज है, कोई सफाई की सर्विसेज है प्रोवाइड कर रहे हैं टू आर्मी या फिर कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसको जो म्युनिसिपैलिटी है उसके अलावा, जो पंचायत है उसके अलावा, ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, लोकेशन चार्जेस होगा, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस होगा, पेड अप फ्रंट इन एडिशन टू द लीज प्रीमियम फॉर द लॉन्ग टर्म ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ द अप फ्रंट अमाउंट इज एग्जम्प्ट। हमने क्या देखा कि आप लैंड को लीज पे ले रहे हैं, आप लैंड को लीज पे ले रहे हैं फॉर 30 ईयर्स के लिए। ठीक है, आपने पर फैक्ट्री लगानी है तो आप अमाउंट पे कर रहे हैं अप फ्रंट। ठीक है, उस पर जीएसटी नहीं आता यहां पर, लेकिन आपने पे करा यहां पर एक्स्ट्रा अमाउंट एज ए प्रेफरेंशियल लोकल एरिया, लोकेशन एरिया। ठीक है, आपने लोकेशन को चूज किया कि हमें वो एरिया चाहिए, उसके लिए अमाउंट एक्स्ट्रा चार्ज की गई, उसके अमाउंट यहां पर एक्स्ट्रा चार्ज की गई। ठीक है, ये भी एग्जम्प्ट है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपके लीज रेंटल होंगे खाली वही टैक्सेबल होंगे, जो अमाउंट आप पे करें अपफ्रंट पे कर रहे हैं, कोई आप पीएलसी पे कर रहे हैं, वो सारे यहां पर एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं आएगा, उस पर जीएसटी नहीं आने वाला। देन रेंटिंग ऑफ द ट्रक होगा, कोई अदर फ्राइट व्हीकल होगा विद ए ड्राइवर फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड इज सर्विसेज ऑफ द रेंटिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल विद द ऑपरेटर एंड नोट द सर्विस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बाय द रोड हैंस नोट एग्जम्प्ट। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, देखिएगा ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे कोई जीटी है, ये गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है, ये क्या है, ये फुली टैक्सेबल है, लेकिन एक ऐसा पर्सन है जिसके पास ट्रक है खुद का। ठीक है, ये गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इंडेक्स क्या है, ये एग्जम्प्ट है। ठीक है, लेकिन एक पर्सन ने ट्रक को हायर कर लिया है, इस पर्सन ने ट्रक को हायर कर लिया है प्लस साथ में जो ड्राइवर उसको भी हायर कर लिया है। ठीक है, उसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर रहा है उस टाइम पीरियड के लिए, उसने इस ट्रक को हायर कर लिया है उस टाइम पीरियड के लिए, उसने ट्रक को हायर कर लिया अपने अकॉर्डिंग यूज कर रहा है, तो उसको मैंने माना कि उसने इसको जो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए लिया है, हमें मानेंगे उसने ट्रक को हायर कर लिया है और ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, उस पर्सन ने इस ट्रक को कुछ टाइम पीरियड के लिए हायर कर लिया है, खाली गुड्स के लिए नहीं लिया, उसने हायर कर लिया है अपने अकॉर्डिंग यूज कर रहा है, उस ड्राइवर को ट्रक को अपने अकॉर्डिंग यूज कर रहा है, उस ट्रक को हायर कर लिया है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो टैक्सेबल हो जाएगा, इस पर जीएसटी आएगा। ठीक है, इसको हम ये नहीं मानेंगे कि आपने जो ट्रक लिया है आपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट के लिए लिया है, आपने ट्रक को ही हायर कर लिया है, तो उस पर जीएसटी आएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, हम इसकी बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, रेंटिंग ऑफ द ट्रक या अदर फ्राइट व्हीकल होगा विद द ड्राइवर फॉर ए टाइम पीरियड इज सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल, आपने व्हीकल को रेंट पे दे लिया है विद ऑपरेटर, नोट द सर्विस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बाय द रोड्स हैंस नोट एग्जम्प्ट, ये टैक्सेबल होगा। ठीक है, देन इंसेंटिव पेड बाय द मीट गवर्नमेंट टू द अक्वायरिंग बैंक अंडर द इंसेंटिव स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ द रुपे डेबिट कार्ड या फिर लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन अप टू द 2000 रुपीज। ठीक है, मीट है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
ठीक है, मेन जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट वो क्या कर रहा है, वो प्रमोशन ऑफ द रुपे कार्ड, ठीक है, एंड भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन अप टू द 2000 रुपीज, इसको प्रमोट कर रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हाउएवर इट इज नॉट द कंसिडरेशन पेड बाय द गवर्नमेंट फॉर एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय द एक्वायरिंग बैंक टू सीजी, द इंसेंटिव इज द नेचर ऑफ द सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस ऑफ द सर्विसेज एंड द सेम इज नॉट पार्ट ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो बैंक है, गवर्नमेंट गई बैंक के पास, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि बैंक को कि आप जो लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या फिर वो डेबिट कार्ड का यूज कर रहे हैं अप टू 2000 रुपीज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं करेगा बैंक, इसके ऊपर बैंक कोई भी चार्ज नहीं लगाएगा, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, तो गवर्नमेंट को बदले में क्या देगी, गवर्नमेंट को पे करेगी यहां पर सब्सिडी। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट पे करते सब्सिडी वो क्या होता है, वो तो हमारी कंसीडरेशन ही नहीं होती, वो हमारी वैल्यू में ऐड ही नहीं होता, उस पर जीएसटी आता ही नहीं है। ठीक है, अगर जो गवर्नमेंट पे कर रही होती वो ग्रांट पे करी होती, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं दे रही है, गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी दे रही है, जो यहाँ पर एग्जम्प्ट है, मीन्स वो आपकी वैल्यू में ऐड ही नहीं होता है, उस पर जीएसटी नहीं आता है। ठीक है, सेम डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, वो आपकी वैल्यू का पार्ट ही नहीं बनता है, उस पर जीएसटी नहीं आता है, तो उस पर जीएसटी को लगाएंगे हम। क्लियर है आपको? क्लियर। ठीक है जी, चैप्टर यहाँ पर एंड होता है, तो गुड बाय दोस्तों, पढ़ते रहें, खुश रहें, गुड बाय दोस्तों।